अभी घूम रहे हैं अच्छे से और अभी हम आ चुके हैं सीवा ढाबा जो मामा यादव आता है अपना यहाँ पे मत क्या नाम है मूर्थल में और बाकी सब अपने अंदर बैठे हुए ढाबे के एंड ट्रिप स्टार्ट हो चुकी है। ट्रिप कहाँ है मैंने कहा था पिछले व्लॉग में कि बताऊंगा कि ट्रिप हमारी कहाँ की होने वाली है। अब मैं कह रहा हूँ इस व्लॉग के एंड में आ जाते आपको पता चल जाएगा कि ट्रिप कहाँ की होने वाली है। और भाई अब तक टाइम हो चुका है हमारा 9:10 हो चुके हैं घर से निकले 7 बजे। अभी पता चल रहा है जो फार्मर्स का प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा है उसके कारण बहुत जाम लगा हुआ था एंड बहुत लेट हो गए थे हम और इसका वो पता नहीं कहाँ चला गया भाई ऐसी लेकिन पढ़ाई कुछ है नहीं। तो भाई अभी प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा है उसके कारण हम लेट हो चुके हैं बहुत ज़्यादा और टाइम टोटल वगैरह में अच्छे से ना रहे हैं। आपने थोड़े शॉर्ट्स देखे होंगे जो घर के थे वो मैंने बस ब्लॉग स्टार्ट करा था क्योंकि घर से निकलते टाइम पर और अब हम निकल दिए हैं ऐसे ऐसे करने के लिए और अब अंदर चलते हैं और सबसे मिलाता हूँ बारी बारी यहाँ पे आके सीधा सीधा देखो भाई पूरा खाली पड़ा है कोरोना ने मार ली सबकी क्या है कि तो भाई यहाँ पे अभी सबके पराठे चालू बिना बताए बिना बोले बिना इंतजार करे हम लोग वेट कर रहे थे तू आया नहीं भाई किसी ने वेट नहीं करा फोन करने वाले थे कौन यहाँ पे देख रहे हो भाई इज्जत ही नहीं है कुछ भी ये लो तो भाई अभी हम पहुंच चुके हैं पंजाब में कहीं ना कहीं तो हैं अभी मेरे को जगह का नाम नहीं पता यहाँ पे मंजी ढाबा पे रुके हुए हैं और अभी यहाँ का टेम्परेचर है 7 डिग्री के आसपास और जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ का जा चुका है -9 डिग्री और हमारा टेम्पो ड्राइवर अभी यहाँ पे खड़ा है बाकी सब वहाँ पे खड़े होके अभी गप्पे वगैरह मारे हमने चाय वगैरह अभी पी है और बस निकलने की देर है। इतने शॉर्ट्स वगैरह अभी रात को मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि रात को कुछ दिखने के लिए है नहीं। सुबह पहुँचेंगे हम 10 बजे तक और जो व्यूज़ आने वाले हैं उसके बाद पहाड़ों के नेक्स्ट लेवल। तो बस अपना चल रहा है ट्रिप आगे भी मिलते हैं दिखाते रहते हैं स्टे ट्यून। तो भाई अभी वी आर वेरी क्लोज टू आवर डेस्टिनेशन बस पहुंचने वाले हैं 2.5 घंटे और अभी टाइम हो चुका है सुबह के 8-9 बजने वाले हैं अप्रोक्स पूरे 9 बजने ही वाले हैं। और ये भाई पीछे लोकेशन देख लो एक बार अच्छे से ये अपनी थोड़ी सी लोकेशन है देखने वाली अच्छी सी और भाई पानी देखो कितना साफ है एकदम मस्त। और अभी क्या अगर टेम्परेचर की बात करूँ तो टेम्परेचर आज आ चुका है 3-4 डिग्री के आसपास और फिल्टर शॉट हो रखे हैं हमारे भाई अच्छे वाले ये देख लो भाई हालत अभी हालत बनेगी और अभी बनी नहीं है अभी और अच्छी बनेगी। और यहाँ से भाई हमें सामने पहाड़ दिख रहे हैं बढ़िया वाले
यहाँ से पता नहीं दिखेंगे नहीं दिखेंगे, वहाँ दिख रहे हैं बढ़िया वाले जिसपे ऊपर स्नो स्नो तो दिख रही है हमको, पता नहीं वहाँ क्या है क्या नहीं है, कैसा है कैसा नहीं है। तो अभी को तो बस एक ब्रेक लिया था छोटा सा, तो अभी सब बाहर बैठे हुए हैं, बाहर बैठ के अभी चाय वगैरह चल रही है, सैंडविच वगैरह चल रहा है, बाहर बैठ के चिल मार रहे हैं, थोड़ी ऑक्सीजन जली हुई मिल गई थी तो वहाँ पे हैं सारे। और भाई मुझे तो यार ये लोकेशन मतलब एकदम ही नेक्स्ट लेवल, उधर रह रही नदी से जा रही है, इतना साफ पानी एकदम पत्थर दिख रहे हैं नीचे के अच्छे से, और वहाँ पे थोड़ा स्पीड से पानी आ रहा है, और भाई हाथ काम नहीं कर रहे एकदम जम चुके हैं, अब पता नहीं धोएंगे कैसे पियेंगे कैसे। ये देख लो भाई फोक देख लो कैसे कैसे आ रहा है एकदम चश्मा, मतलब क्या 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 करें अब क्या करें कहाँ जाएं। मैं तो इससे कह रहा हूँ भाई तूने सर्दियों में प्लान क्यों बना लिया, आने का फिल्टर शॉट हो रखे भाई। चलो भाई अब मिलते हैं थोड़ी देर में वापस अपनी डेस्टिनेशन पहुँच के, या फिर अंदर गाड़ी में कहीं ना कहीं तो मिलते रहेंगे, यहीं रास्ते में चलते चलते। तो भाई अभी वी आर ऑन द वे टू मनाली, अभी मनाली पहुँचे नहीं है, खैर बार बार आके अपना चेहरा दिखा देते हैं। हमारा जो टेम्पो ड्राइवर वो खड़ा वहाँ पे, भैया वगैरह भी यहाँ पे आ रहे हैं, और हम कहाँ जा रहे हैं ये लोकेशन एक भैया ने दिखा दी थी बहुत बढ़िया सी, यहाँ पे जा रहे हैं। मुझे यहाँ पे फोटोग्राफी कर रहा थोड़ी बहुत भैया की, मेरी सूची वहाँ पहुँच चुकी है, और अपने सॉरी पूजा दी निकिता और ईशु वहाँ पे मस्ती मार रहे हैं, और हम जा रहे हैं वहाँ पे देखने के लिए नज़ारे वगैरह, फ़ोटोज़ वगैरह एंड फोटोज़ आपको मिलेंगी इंस्टाग्राम आईडी पे, सबकी इंस्टाग्राम आईडी है डिस्क्रिप्शन में जाकर देखो भाई, सब पे सेम कंटेंट नहीं मिलेगा, सब पे अलग फ़ोटोज़ मिलेंगी, तो जाके देखो मौज मारो, हम तो मौज मारते हैं भाई, वहाँ पे मस्त मस्त पोज मार रहा है वहाँ पे बैठ के बढ़िया वाले। और ये लोकेशन भाई साहब, अब यहाँ पे बढ़िया बढ़िया सिनेमेटिक्स वगैरह लेते हैं, फोटोज़ वगैरह लेते हैं, और फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद, या फिर व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड, आपको मिलेंगे अब सीधा मनाली में। तो भाई राइट नाउ वी आर एट मनाली, हम मनाली पहुंच चुके हैं, पीछे गाना भी वगैरह सारे आ रहे हैं, और भाई स्नो 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 यानी ये प्यार सिंह जगह कॉटेज, यहाँ हम रुके हुए हैं, वो भी बर्फ़ का गोला दिखा रहे हैं, एक बार देख के आते हैं, रुको ये देख लो भाई बर्फ़ का गोला, वो है होटल आपका आगे वो वाला होटल आपका मोहित ओए लग जाएगी लग जाएगी लग जाएगी कहाँ जाना उधर है होटल अपना तो भाई अभी तो पहुंच चुके हैं, अब ये पागलपंतियाँ हमारी चलती रहेंगी, और ये वाला व्लॉग करते हैं ये एंड, अब अगला व्लॉग करेंगे शुरू थोड़ी रेस्ट के बाद में, ये देखो भाई ये सही खेल रहा है, तो वाला व्लॉग करते हैं ये एंड, तब तक आप लोग के लिए क्या करना है, स्टे पॉजिटिव बी पॉजिटिव टू बी हियर, बाय बाय टेक केयर। तो व्हाट इज अप छुपिली छुपिली, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन, दिस इज परिकन, यू आर वाचिंग अपना चैनल डीएनडी व्लॉग्स। तो भाई अपने चैनल पे ये नज़ारे तो पहली बार दिख रहे होंगे, ये नज़ारे तो अब तक दिखे नहीं होंगे। तो भाई अभी है हम मनाली पे, मनाली में आज है 16th of December शायद 15, हाँ आज है 16th of December, हम 15 को यहाँ पे पहुँच चुके थे, 15 को मैं पूरा दिन निकला था यहाँ पे, हमने बढ़िया से स्कीइंग वगैरह भी करी है वहाँ पे, खाना भी वगैरह स्कीइंग वगैरह कर रहे हैं, ये भाई स्नो स्नो देखो कितनी स्नो है, खाना भी वगैरह भी वहीं पर ही है, और यहाँ पे हिडंबा देवी टेम्पल है,
कल शाम को वहीं एकदम पास में हिडंबा देवी टेम्पल, ये जीन वगैरह दिखाऊंगे ऐसे चढ़ते ही हिडंबा देवी टेम्पल आ जाता है। कल शाम को वहाँ पे थे पर ब्लॉग नहीं कर पाया बिल्कुल भी, एक परसेंट मेरी क्यों नहीं कर पाया क्योंकि वहाँ पे बैटरी बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी ड्रेन हो रही है। मतलब मैं अपने रूम से निकला हूँ तो फोटो एक मिनट वहीं रुको DSLR से खींचो यहीं से। तो भाई बैटरी का तो ये सीन बताया मैंने आपको, इतनी जल्दी ड्रेन हो रही है और ऊपर से भाई यहाँ के सीन से एक बार अच्छे से पूरा स्नो यहाँ पे डम्बा देवी टेम्पल अभी मैंने बताया था जैसे भी, और यहाँ पे अभी नाश्ता वगैरह करेंगे हम एंड पूरा स्नो का अच्छा सा बढ़िया लुक आ रहा है। और अभी के सीन्स कुछ ऐसे हैं कि हम जा रहे हैं सोलांग वैली जाके कुछ एडवेंचर एक्टिविटीज वगैरह करेंगे, करने के बाद में आए के प्लान वहीं पर डिसाइड होंगे कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, क्या करना है क्या नहीं करना है सोलांग वैली में। अब ये ब्लॉग कंटिन्यू होगा सोलांग वैली जाके, बीच में लगा दूंगा इसको GoPro की चार्जिंग पे। ऑल दो अभी 98% चार्ज है पर मेरे को नहीं पता कब 98% खत्म हो जाए क्योंकि बहुत जल्दी खत्म हो रहा है, हमारे फोन वगैरह बहुत जल्दी ड्रेन आउट हो रहे हैं और इशू। हाँ तो अभी जा वगैरह रहे सा, अभी रूम वगैरह हमने, रूम का टूर मैं नहीं दूंगा क्योंकि इतना फैला पड़ा है कोई फ़ायदा नहीं देगी। आएगी गाड़ी के बोनट पे चला जा। तो फोन्स वगैरह हमारे इतनी जल्दी ड्रेन हो रहे हैं तो और कुछ नहीं है, बस ये बताना था। अभी हम निकल रहे हैं होटल से और यहाँ करेंगे नाश्ता वगैरह, फिर जाएंगे हम टेम्पो ट्रैवल में सोलांग वैली की जाने के बाद में देखते हैं अटल टनल, अगर खुली मिलती है तो जाते हैं, नहीं मिलती तो नहीं जाते हैं। तो आपको मिलते हैं आगे की तरफ। तो भाई ये देख लो टायर अपना कैसा लग रहा है और भाई इसका टायर क्या बना है। तो अभी हम बेसिकली सोलांग जा रहे हैं, अभी सोलांग है नहीं उधर ही कहीं पे होगा स्नो होगा। तो भाई अभी हमारा हो चुका है व्लॉगिंग वगैरह का ये सब स्टार्ट और यहाँ लगा हुआ है और सब रेडी हो रहे हैं ये रे। अभी करेंगे स्कीइंग बड़े वाली भैया वगैरह, यहाँ पे निक्की एकदम रेडी हो चुकी है पूरी। ये देखो भाई और ये है स्कीइंग, अभी हम करेंगे ये वाली स्कीइंग नहीं जिप लाइन यहाँ से है और ये 700 मीटर की जिप लाइन है, बहुत लंबी वाली। ये देखो और जिप लाइन के शॉट्स वगैरह एंजॉय एंड सब भाई एनर्जी नेक्स्ट लेवल पे चल रही है और अभी आने वाले खूब मजे। तो मैं ताऊ को जिप लाइन में सीधा और भाई और इसकी ड्रेस देखो मस्त वाला हाथ में जान लगे भाई, ये तो भाई मैं खड़ा हूं जैसा करता हूं। Oh you tell me stories, you tuck me in, and the second you leave I call you right back to check for monsters in my sheets. Yeah, high school was hard, you'd fight with my mom, I'd fall asleep to the screaming, sound machine always speaking, left emotional scars. Now I'm 21, a soul of 50 years, and now that you are gone, I'm doing things that I shouldn't know. I'm doing things that I shouldn't do. I'm 21, a soul of 50. ये पकड़ने में पक्का ठीक है आपके सीजन को, ये मेरी दिक्कत है। हाँ इसको पकड़ो और नीचे बैठो, लेकिन तुम ना आगे यहाँ पकड़ो नीचे बैठो, नीचे तो पूरा नीचे हो बैठी जाओ, कैसी रखो लागे कैस टेप कर लागे ठीक है, समझे बैठो पीछे आपका ताकि आपका सर है ना ऊपर टच नहीं हो जाए ठीक है, समझे बाइल में टच नहीं हो जाए ठीक है, सुनिए बाइल को हाथ में लगाने से ठीक है लास्ट में वहाँ ब्रेक करता है वो उसमें बढ़ता है। अच्छा वो अपने आप ही लगते हैं ना ठीक है, तो घबराने बाद वहाँ पे कि क्या टकरा गया था ठीक है
मेरे को लगा था वो पेड़ साइड में से निकल एकदम। फोटो नहीं है क्या? कराया तो सबका यही अच्छी तो पार्ट है। तो फिर नाउ वी आर एट सोलांग वैली। अभी अपने गाइड और वो आगे चल रहे हैं और हम आ चुके हैं सोलांग वैली में। मास्क वगैरह जानबूझ के नहीं लगा रहा क्योंकि भाई स्नो वगैरह थोड़ी ज़्यादा है। और ये अपने मोहित भाई ये बता जिप लाइन करके मज़ा आया नहीं आया? बहुत मज़ा आया भाई, आप लोग भी जिप लाइन में मज़ा, जिप लाइन में मज़ा भाई खूब मज़ा आया। यहाँ पे भी कुछ एडवेंचर एक्टिविटीज वगैरह हैं वो करेंगे और आने वाले मज़े तो खूब आने वाले। बाकी बंदू अपने पीछे पीछे आ रहे हैं और भाई लोकेशन मतलब क्या कहने, ठंड कम है थोड़ी, मतलब ठंड इतनी लग नहीं रही, बर्फ वगैरह बहुत है, ठंड नहीं लग रही क्योंकि धूप थोड़ा तेज है। एक घंटा रुक जाओ भैया, कह रहे हैं एक घंटा रुक जाओ फिर देखना ठंड। तो भैया आपका नाम क्या है? भैया हैप्पी भैया भाई हमारे साथ में आए हैं और भाई उन्होंने क्या फोटोग्राफ्स वगैरह ली हमारी जिप लाइन वगैरह की। फोटोग्राफ्स वगैरह देखने को मिलेंगी एज ऑलवेज हमारी इंस्टाग्राम आईडी पे जो आपको मिलेंगी डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लो भाई साहब लोकेशन अलग। चलो अब मिलते हैं आपको सीधा सोलांग वैली जो मेन जो एडवेंचर वाली जगह है वहाँ जाके और फिर करेंगे अपने मस्ती वगैरह थोड़ी बहुत। समझ जाते हैं भाई 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 लोकेशन लोकेशन लोकेशन।
मारा, हमने स्कीइंग वगैरह कर रहे हैं, मोहित ने स्कीइंग करी। मोहित कितनी बार गिरा? 10 बार, गिनते नहीं है, करो से गिरते रहोगे। कितनी बार गिरा वे? देखो सोच के गिरे भाई। और भाई इतने गिरे भाई हमारी तो। अभी 2 मिनट दिखा दो, क्या ही बोले, वहाँ गिरेंगे अभी। हाँ अभी दिखाता हूँ, पक्का गिरेंगे, पक्का गिरेंगे। सपोर्ट है भाई, नहीं करेंगे यहाँ गिरते। अभी हमको तो देख ही लिया गिरते पे कैसे कैसे गिरे हैं। और भाई को लोकेशन देखो भाई साहब, एडेक्स लगानी पड़ेगी घर जाके। देखो इतने बढ़िया बढ़िया फोटोज आए, इतने बढ़िया बढ़िया फोटोज आए, क्या कहने। और जो हमारा टायर है वो तो देख ही लिया वो भी आपने। और भाई बात ऐसी है, पैसा वसूल भाई, पैसा वसूल। ट्रिप जा रहा है हमारा, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। एक चीज दिखाता हूँ, ये देखो, इसको कहते हैं बर्फ। और इसको ओ भाई ये तो बहुत टाइट है। नहीं नहीं ये नहीं मारूंगा, अभी दिखाएंगे, अभी खेलेंगे, अभी बर्फ वगैरह खेलेंगे और मजे वगैरह भी करेंगे। होप सो आपको वीडियो में मजा आ रहे होंगे, व्लॉग में अच्छा लग रहा होगा, मजे आ रहे होंगे। इंजॉय करोगे, इंजॉय करो तो वीडियो खराब होने का एंड मत करो, अभी कर दो लाइक। और चैनल को तो कर ही लिया, सब्सक्राइब नहीं करा तो बस सब्सक्राइब करे भी ना मत जाना, ठीक है। नहीं तो जैसे हमारे सुजना वैसे सुजा दी जाएगी। एयरडेक्स लगानी पड़ेगी, बहुत तगड़े दर्द हो रहे हैं भाई, क्या बताऊँ मैं, घर जाके पता चलेगा। अभी और एक्टिविटीज वगैरह करते हैं, फोटोज वगैरह लेते हैं और मिलते रहेंगे अपडेट्स आपको धीरे 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 धीरे। अपने फ़ोन से और अपनी मैगी यहाँ पे स्टार्ट होने वाली है। अपने यहाँ पे अभी यहाँ पे हम क्या कहते हैं इसको यार, सोलांग में घूम रहे हैं, यहाँ पे आके ना मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, ठीक है। फ़ोन से फॉलो हो रहा है क्योंकि गोप्रो वगैरह की बैटरी मैंने जैसे आप लोग के स्टार्टिंग में बताया था वापस ड्रेन हो चुकी है। और अपने सारे वहाँ पे व्लॉग अभी मतलब वो फ़ोन चल रहा है उनका, क्या कहते हैं इसका, अपना मैगी वगैरह चल रहा है मेरा यहाँ पे, अभी ठंडा हो जाएगा तो अपन जल्दी से फिनिश करते हैं। और एक बार बता दूँ यार, लोकेशन बहुत तगड़ी है, बहुत तगड़ी है, बहुत मज़े आए हैं। और वीडियो वगैरह में देखो आपको पता चल ही जाएगा कितने मज़े आए हैं। और ये एक बार ऐसे नमूने से बने पड़े हम तो भी मैगी वगैरह खाते हैं और निकलते हैं। ये वाला व्लॉग मैं यहीं पे एंड करता हूँ, होप सो आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, हम अच्छे लगेंगे, कुछ भी अच्छा लगा होगा जैसे हमेशा बोलता हूँ। इस वाले में तो खर्चा भी मोटा तगड़ा हो गया है, तो ये वाला व्लॉग लाइक ज़रूर कर देना है, लाइक ज़रूर कर देना। और ये बता रहा हूँ ना, फ़ोन से आई तो क्वालिटी वगैरह ठीक आएगी, क्योंकि इतनी वो तो है नहीं, वाली बात तो है नहीं, ठीक आएगी, क्वालिटी अच्छी आएगी क्योंकि वन प्लस हमने लिया, खर्चा किया तो थोड़ा इसलिए किया है। तो ये वाला वो करते हैं यहीं पे एंड, अभी हम जाएंगे ओल्ड मोली वगैरह घूमने, कैफे वगैरह घूमने, तब देखते हैं ना वापस दूसरा ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, क्या करते हैं। तो ये वाला ब्लॉग यहीं पे करता हूँ, होप सबको अच्छा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर।
ठीक है, मिलता है आप सब के लिए, स्टे पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी हीरो, बाय बाय, टेक केयर। तो व्हाट इज अप सभी लोग, सभी लोग वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। दिस इज तारिक एंड यू आर वाचिंग अपना चैनल डीएनपी ब्लॉग्स। तो भाई मनाली में अभी घूम रहे हैं, ओल्ड मनाली, और मैंने ये अपना नाक वगैरह नहीं लगा, मास्क वगैरह, क्योंकि बीतने वगैरह केस वगैरह कुछ है नहीं, और यार समझा करो थोड़ी ना चैन की सांस लेने दो इसलिए। तो अभी की सीन ऐसा है कि यहाँ पे कैफेस वगैरह सारे हैं बढ़िया बढ़िया से, एंड मैं मोहित बस थोड़ा सा टहलने आ गया क्योंकि हमारा ऑर्डर बन रहा है, ऑर्डर में थोड़ा टाइम लगेगा। और ऑर्डर कहाँ बन रहा है, कहाँ पे, क्या नाम है, डिलन्स कैफे। डिलन्स कैफे जो मनाली का कॉफ़ी के लिए सबसे बेस्ट कैफे माना जाता है, वो भाई जो सर्विस मिली है हमको इसमें घुसते के साथ में, एक कुकी आया था, कुकी हमने खाया, क्या बेस्ट था। और अभी हमने मंगाया अपने लिए कॉफ़ी वगैरह ये सब, और एक बार कैफे का, मैं कैफे के बाहर ही खड़ा हूँ, अभी कैफे का टूर देता हूँ फिर देखो क्या क्या क्लासी चीज़ है। तो भाई ये कैफे के एंट्रेंस होती है यहाँ से, एंड ये डिलन्स कैफे है बढ़िया सा, अगर देखे जगह तो, और ये सब कुछ बैठने वगैरह का, इग्नोर द साउंड भाई, यहाँ पे मैं बीप लगाऊंगा। यहाँ पे सारे अपने बंदे बैठे हैं, ईशु हेलो, और भाई ये बन रही है अभी यहाँ पे हमारी कॉफी। तो भाई यहाँ पे अभी हमने कॉफ़ी वगैरह पी, अपनी बड़ी टेस्टी कॉफ़ी थी भाई, यहाँ पे सब खत्म कर चुके हैं यहाँ पे, और अभी बाहर जा रहे हैं वापस अपने होटल की रूम, होटल रूम की तरफ, क्योंकि हम प्यार सिंह का कॉटेज बुक करा हुआ भाई, सब ठंड बहुत है, ठंड बहुत है, ओ ठंड बहुत है। तो भाई अभी करा के नहीं यार, इसको उतारना पड़ेगा अभी, मतलब आपने कैफे वगैरह तो देखा ही, थोड़े वो शॉर्ट बस दिखे, कॉफ़ी बनती भी देखी है ये, मतलब मेन बात है ये मोको लाते हैं हमने पिए यहाँ पे, मुक्का लाते हैं जो भी होता हो, मुझे अगर सही से प्रोनाउंस नहीं करवा तो अपने ये अभी यहाँ पे मौका लाते वगैरह पिए, काफ़ी टेस्टी बनाई थी भैया ने, काफ़ी टेस्टी बनाई थी भाई, खूब पी के मतलब अच्छा लगा। और अभी भैया से मिलाते हैं, भैया हैं नेपाल के जो यहाँ के ओनर हैं, मैं उनसे पूछते हैं, और मैं नंबर वगैरह सब दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, और जाके फॉलो कर लेना एक बार, इंस्टाग्राम आई डी भी आ रही होगी भैया की हैंडल पे, जो मतलब यहाँ की है, तो यहाँ पे अच्छा सब देखने को मिलेगा आपको, शायद हमारी फोटोज वगैरह भी मिल जाए देखने के लिए। तो भैया आ गए, भैया आ गए, भैया आ गए, भैया आ गए, भैया आपका नाम, मेरा नाम तेज ने, तो भैया नेपाल से हैं, और अभी मेरे साथ मोहित वगैरह आए हैं, ये भी मैं नेपाल रहे हुए काफ़ी टाइम के लिए। भैया कॉफ़ी मतलब क्या बनाते हो, ऐसा इतना बढ़िया कॉफ़ी बनाई है, मतलब कसम से हमने आटे कुकी खाई थी सबसे पहले, मीठा खाने का बिल्कुल मन नहीं था, भैया ने कहा कि कॉफ़ी कुकी बहुत अच्छी है,
कुकी खाई थी, कुकी खा के मतलब नेक्स्ट लेवल फील आई है भाई, नेक्स्ट लेवल फील आई है। तो भैया अगर किसी को यहाँ पे आना हो, जो मनाली आया भाई यहाँ आना हो, तो कैसे सबसे पास में कैसे क्या सिंपल है, बस ओल्ड मनाली बोल रहा है डीलर, तो इसमें क्या बोलते हैं ऑटो में कोई भी लेके आते हैं। डीलर आप मनाली जानता है डीलर्स के नाम से, और भाई प्राइस मतलब ये होता है हम दिल्ली में पीते हैं यार, कहाँ प्राइस वहाँ पे इतने बकवास कॉफ़ी मिलती है, यहाँ एकदम रीजनेबल प्राइस और इतनी बढ़िया कॉफ़ी मिली है हमको, इतनी बढ़िया सर्विस मिली है, बहुत टेस्टी बहुत टेस्टी। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। तो भाई अभी हम निकल गए कैफ़े वगैरह से और थोड़ा बहुत सामान खरीदा मैंने, पापा के लिए लोवर लिया है यहाँ पे, बड़ा गर्म लोवर है भाई, बहुत गर्म लोवर है, दिखाऊंगा नहीं, नहीं दिखाऊंगा नहीं, खाम खाम लोग नहीं बनाना। अरे यार अंधेरा आ गया भैंस की, रुको थोड़ी देर में मिलते हैं फिर। तो अब थोड़ी रोशनी आ गई, तो हम वापस आ चुके हैं, तो अब हम जा रहे हैं वापस अपने होटल की तरफ खाना वगैरह खाने के लिए। और ठंड भाई अभी बहुत ज़्यादा हो चुकी है यहाँ का, अभी का टेम्परेचर होगा अप्रोक्स -2 -3 के आसपास। भैंस की यहाँ फिर से अंधेरा आ गया, पानी की आवाज़ सुनो भाई, पता नहीं आ रही होगी नहीं आ रही होगी, तो हम दिखा देते हैं पूरा ब्रिज जो न्यू मनाली को ओल्ड मनाली से कनेक्ट करता है, और ये पूरा नीचे मतलब नदी वगैरह पानी वगैरह जो है ये देख लो भाई, ये बीच में वाइट दिख रहा है, बस ये दिख रहा होगा, ये स्नो पड़ी हुई है सारी की सारी। एंड हम जा रहे हैं इधर की तरफ, और यहाँ से हमारा होटल है वहाँ ऊपर की तरफ, तो वहाँ जाएंगे और सारे खाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। हम हो चुके हैं बहुत लेट, लेट होने का सीन कुछ ऐसा है कि यहाँ पे 10 बजे लग जाता कर्फ्यू, 9 बजे लग जाता कर्फ्यू, तो हमको उससे पहले पहले पहुँचना है। और मेरे को यहाँ की मनाली की जो सबसे बेस्ट चीज़ लगी है वो यहाँ के स्ट्रीट डॉग्स भी भाई ऐसे हैं एकदम भालू जैसे, जो देख के फील चल जाती है। और भाई जी ने देखो ये देखो तो ये है पूरा मतलब रास्ता सा, और आगे है पूरा अंधेरा, तो अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब आपको थोड़ी देर बाद में मिलते हैं आगे और व्लॉग को करते हैं एंड। तो भाई ये देखो ये है रास्ता ओल्ड मनाली से हमारे होटल की तरफ जाने के लिए, और कुछ नहीं दिख रहा, और मैं मोहित को बोल रहा हूँ यहाँ पे हमें मंजुली का आंटी मिल गई, तो कुछ नहीं आंटी हमको देख के डर जाएगी, आंटी हमको देख के डर जाएगी, हम अभी भूत से ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। ओ भाई चलो भाई, ये है जीने पीछे की तरफ एकदम, नहीं दिखे होंगे मत देखो, और ये है इधर ओल्ड मनाली पूरा। ओ भाई साहब क्या लुका रहा है इधर का, आ रहे ना मजे, हमें भी आ रहे हैं भाई। और अभी बता देता हूँ, सांस अड़ गया, अभी बता देता हूँ, अंधेरा आ गया, रोशनियाँ के बाद बताऊँगा, अरे मेरी ज़िंदगी में रोशनी कब आएगी। हाँ मेरी ज़िंदगी में रोशनी आ गई, अभी बता देता हूँ भाई, जो भी वीडियोस वगैरह आ रही है ना कैमरा उसको 5% जस्ट चेंज नहीं कर पा रहा, 5% भी, नेक्स्ट लेवल वीडियोस आती है नेक्स्ट लेवल। और रोशनी में ओ भाई नहीं, थोड़ा चढ़ान है पूरी ऐसे स्लोप में, थोड़ा आगे जाके फिर मिलते हैं। तो भाई अभी दबा दो फोन आ रहे हैं, पूरे देखिए नहीं दीदी, तो हम जल्दी से जल्दी पहुँचना है वहाँ पर। ओ भाई ऑटो आवा दो, तो भाई यहाँ पे थोड़ा रुक के व्लॉग करते हैं, हमने यह लगा लिया क्योंकि थोड़ा था यहाँ पे इलाके वगैरह का। तो अभी के सीन्स कुछ ऐसे हैं कि हम जा रहे हैं खाना वगैरह खाने के लिए, और ये वीडियो बस ओल्ड मनाली के लिए थी तो उतनी ही रहेगी, ये वीडियो मैं करता हूँ यहीं पे क्लोज, सब सबको अच्छी लगी होगी। भाई सांस फूल रही बार बार, मुझे आ रहा है अभी अंदर से, हम चले थोड़ा थोड़ा आगे, इतने वो आता है, और पीछे पुलिस की वगैरह भी खड़ी है, तो बस इसलिए। तो होप सबको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा, कॉफ़ी तो हमको बहुत अच्छी लगी, कॉफ़ी बहुत अच्छी लगी भैया का, हमने कार्ड ले लिया, कार्ड की फ़ोटो मैं डाल देता हूँ अभी, कार्ड की फ़ोटो आपने देख ली होगी। और आगे और एक बार बता दूँ, सर्विस अपने को नेक्स्ट लेवल मिली, नेक्स्ट लेवल भैया के पास से आओ तो आना, चैनल का नाम ले देना, डिस्काउंट मिल जाएगा अपने वाला। तो ये वाला व्लॉग कहते हैं यहीं पे एंड, होप्स आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो क्या करने का है, चैनल को देना सब्सक्राइब, वीडियो को देना लाइक एंड शेयर, कमेंट कर देना अगर आपको अच्छा नहीं लगा है या फिर कुछ भी करना हो तो, एज योर विश। तो मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए व्हाट यू डू इज स्टे पॉजिटिव बी पॉजिटिव टू बी अ हीरो, बाय बाय। तो व्हाट इज अप चुविलन चुविल, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन, जितने भी पारी गए यू आर वाचिंग अप माय चैनल डीएनपी व्लॉग्स। तो भाई कैसे हो सब, सब बढ़िया सब तंगे, कहने का मन तो नहीं कर रहा है, पर ये जो लुक है आज लास्ट टाइम है, ये लास्ट व्यू है, मतलब हम अब जा रहे हैं टूवर्ड्स मणिकरण साहिब, मनाली को छोड़ रहे हैं, आज है 17th ऑफ दिसंबर शायद, हाँ आज है 17th ऑफ दिसंबर,
और अब निकल रहे हैं मनाली से। भाई यहाँ का वेदर यार, मतलब ठंड बहुत है, वो बात है, ठंड बहुत ज़्यादा, पर यार ये वेदर है ना, ये छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा। और ये बालकनी से व्यू, मतलब ये हमारा रूम है, सुबह उठते हैं, उठते भाई ये व्यू दिखता है, देख रहे हो ये व्यू भाई। वो देखो वो भैया जा रहे हैं, यहाँ पे पराठे वगैरह करेंगे अभी, अपनी नाश्ता वगैरह करेंगे यहाँ पे। खाना भी मतलब कहते हैं हिमाचल में खाना अच्छा नहीं है, और दिल्ली वालों को हर जगह खाना पसंद नहीं आता, पर यहाँ का खाना हमें बहुत पसंद आया। और रात को खाना खाया था भाई साहब, एकदम घर वाली सब्जी मिली है, और घर वाली पतली पतली रोटियां मिली है, और ये बर्फ़ देख के भाई मेरा ना यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है, सच में जाने का मन नहीं कर रहा है। तो ये हमारा बालकनी का व्यू पूरा अच्छे से, और एक बार रूम टूर दे देता हूँ। ये हमने एक ही रूम में दो रूम के गद्दे रख लिए थे, ये पूरा रूम अपना, और वो बाथरूम उधर, ये गद्दा हम अगले रूम को उसमें ले आए थे। और हमारा दूसरा रूम जो था वो है इधर, ये वाला, हम इसका गद्दा उसी रूम में ले गए थे। तो ये अपना रूम है, बड़ा अच्छा रूम है, बड़ा अच्छा रूम है, और इसका भी बालकनी का व्यू, मतलब बालकनी नहीं है इस वाले रूम में, पर ये व्यू आता है यहाँ से, काफ़ी मज़ेदार, काफ़ी मज़ेदार, देख रहे हो, मतलब मुझे तो नेक्स्ट लेवल चल रहे हैं, अपने नेक्स्ट लेवल चल रहे हैं। तो बस अभी अपने रूम वगैरह खाली करते हैं, फाइनल टूर ले लेते हैं, कुछ सामान वगैरह तो छूटा नहीं है, और अब चलते हैं हम कुछ नाश्ता वगैरह करने के लिए, क्योंकि लेट तो वैसे भी बहुत हो चुके हैं। और उसके बाद में हम जा रहे हैं आज मणिकरण साहिब, मन रात को कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, उसका पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आपको मिलते हैं सीधा कहीं रास्ते में, या फिर मणिकरण साहिब पे। मणिकरण साहिब पे मेरे जाने का बहुत पहले से मन था, बहुत पहले से मन था, मतलब कई बार गौरव हुआ, मेरा प्लान बना बना कैंसिल हो चुका है कि भाई चलते हैं चलते हैं, सब कैंसिल हो चुका, पर इस बार मणिकरण साहिब जाएंगे। तो भाई राइट नाउ वी आर एट मणिकरण गुरुद्वारा, और मैं मेरे सामने मणिकरण गुरुद्वारा यहाँ पे दिखा देता हूँ, पूरा सीन अच्छे से दिखाता हूँ। तो भाई ये आ रहा है, एकदम ठंडा पानी बहता हुआ, यहाँ की ये चमत्कार वाली बात है, एकदम ठंडा पानी आ रहा है बहता हुआ, और पानी देखो, और वो उस तरफ आ रहा है पूरा गर्म पानी, धुआं दिख रहा होगा। तो ये है मणिकरण की देखने वाली चीज़, एकदम ठंडा पानी, बर्फ़, एकदम बर्फ़, और वो एकदम गर्म पानी, एकदम उबलता हुआ पानी, पर इसमें हम नहाते हैं अभी, करते हैं अभी, हम नहाएंगे भी वहाँ पे, तो वो भी ब्लॉग वगैरह करते हैं स्टार्ट। और यहाँ से कोई अलग से कनेक्शन नहीं है, एक ही में बहता हुआ आ रहा है, और वो जैसे अलग वाला गर्म पानी, ये जैसे आ रहा है ठंडा पानी, ये चमत्कार वाली बात है भाई यहाँ पे। चलो आगे चलते हैं, आप देखते हैं। तो भाई अभी मैं हूँ गुरुद्वारे के अंदर, और ये है पूरा 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 गर्म पानी, देख रहे हो कितना उबलता हुआ पानी आ रहा है। अब यहाँ पे हम नहाएंगे, मतलब अपना मोजी उतार रहा है, ये भी एकदम रेडी हो रहा है, और काना भैया वहाँ बैठे बुनियान में अपने लाला जी बैठा, यू वहाँ बैठे। अभी हम इसके अंदर जाएंगे, नहाएंगे, फिर आते हैं, आप थोड़ी बहुत टाइम लेफ्ट कर इंजॉय करो, इतना आते हैं लाला जी। तो भाई ये है अपना गुरुद्वारा मणिकरण साहिब, और ये तो
गर्म पानी का आ रहा है, कितना गर्म पानी है सोच नहीं सकते, मतलब इतना गर्म पानी है कि थोड़ी देर तक मॉलिस में और क्या नहा रहे थे, मारना थे हमको चक्कर आने लगे थे, अपन ने तो 21 मिनट की लड़ाई होकर थोड़ी चक्कर आने लगे थे, बोले थे यहाँ पे ये सब भी नहा धो के अच्छे से आ चुके हैं, ये आ गए हैं सारे। और ये देखो भाई कितना गर्म है यार, हद से ज़्यादा गर्म है, हद से ज़्यादा गर्म पानी है, और मतलब इतना है कि अभी तक ना पसी के साल मतलब इतना गर्म पानी हो गया था। फोटोग्राफी वगैरह कर रहा है इधर, ऐसी आ रही है ये देखो भाई, थोड़ा सा दिखा देते हैं, थोड़ा सा दिखा देते हैं, ऐसी है बाकी आपको मेरी इंस्टाग्राम पे तो भी और शॉर्ट्स कर लेते हैं और मुझे लेते हैं गोदर साहब जाते हैं रात साहब मिलते रहेंगे। तो भाई अभी आ चुके हम कैंप में और कैंप की एंट्री है यहाँ से स्टार्ट। एक बार ना थोड़ा सा वेलकम वगैरह वाला देख लो, ये है पूरा अच्छे से और ये पूरा कैंप है, हमारा ट्रैवलर यहाँ पे खड़ा है, अभी हम यहाँ से हैं। इधर पड़ता है कसौल, इधर पड़ता है मेरे को पता नहीं कसौल मनीकरण इधर पड़ता है, और इस पर ये वाइट वाइट दिख रही है बर्फ़ जमी हुई पूरी, ऑल दो ठंड यहाँ पे 1 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है। क्या कह रहे हो? अच्छा अच्छा देखो ये वाला अपना यहाँ पे ट्रैवलर वगैरह खड़ा है, यहाँ पे भैया वगैरह अंदर बैठे हैं, अभी लंच वगैरह चल रहा है, और यहीं पे भैया बस ये कह रहे थे कि लाइटें वगैरह जला दी मैंने बाहर की, और इधर से आता है तो इधर हमारा ये है पूरा कैंप, और कैंप में अभी बस आए हुए थोड़ी टाइम हुआ है, अभी बस हमने वो करा है कि आई कैन फ्लाई इनका कुछ होगा, यहाँ पे रैबिट वगैरह कुछ होंगे। ये है पूरी लुक, और यहाँ पे तीनों जने बैठ के यहाँ पे कर रहे हैं बॉनफायर, गाना वगैरह चल रहा है, अभी बाकी सब काम भी करेंगे। और यह पूरा कैंप का लुक, यह है अपना रिसेप्शन कैंप का, और भाई देख लो अच्छे से, देखो अच्छे से, और ये और ये और ये और ये यहाँ पे जिम वगैरह का टाइप का बना रखा है, और इधर छोटे कैंप्स हैं, और ये इधर पागल लड़की आ रही है एक ये देखो ये छोटे कैंप्स हैं यहाँ पे, और इसको मतलब नॉर्मल कैंप्स कहते हैं ये, इसमें दो जनों की शेयरिंग होती है। एक कैंप मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें दिखा देता हूँ, ये भी लाइट जली हुई है, ये है दो जनों की शेयरिंग होती है इसमें, बस और ज़्यादा कुछ नहीं है, पूरे छोटे कैंप्स वगैरह हैं यहाँ पे। और हमारा कैंप है ये वाला जो होता है स्विस कैंप, शायद ये वाला है, अभी मेरे साथ में क्या होता मैं किसी और कैंप में घुस गया था, हाँ ये वाला हमारा कैंप, अभी बस सामान वगैरह थोड़ा फैला पड़ा है, बाकी हम 7 जने हैं तो ये 7 जनों का हमने लिया है, और ये पूरा कैंप है अच्छे से, 1 2 3 4 5 6 अच्छा यहाँ पे अच्छा 5 6 7 अच्छा हो गया ना 2 3 4 5 6 एक जना और आ जाएगा 7 हो जाएंगे। और ये है यहाँ का वॉशरूम जो कि है हमारा सेपरेट, और जो छोटे कैंप दिखाए थे उनका वॉशरूम होता है उसके साथ में अटैच, तो ये है हमारा पूरा अच्छे से कैंप। तो ये हमारा पूरा अच्छे से कैंप एंड काफ़ी अच्छा बना हुआ है, काफ़ी अच्छा बना हुआ है, खूब कूल सा है, और ये है, और बाकी के जो सीन्स वगैरह है वो मैं आपको दिखाऊंगा सुबह, क्योंकि अभी रात को देखने में इतना अच्छा नहीं आएगा। पास में पार्वती रिवर है यहीं पे पास में, एकदम बढ़िया मज़े से आगे, और बाकी की वीडियो हम करते हैं सुबह कंटिन्यू अगले व्लॉग में, इस व्लॉग में नहीं होगी, अगले व्लॉग में बाकी का वीडियो करते हैं, अगले व्लॉग में लोग कंटिन्यू। होप्स आपको ये वाला व्लॉग अच्छा लगेगा, अच्छा लगा तो व्हाट यू टू डू इज सब्सक्राइब कर देना चैनल को, वीडियो कर देना लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, मिलता हूं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए व्हाट यू टू डू इज स्टे पॉजिटिव बी पॉजिटिव टू बी ए हीरो, बाय बाय टेक केयर। तो व्हाट इज अप छविले, वेलकम टू द चैनल अगेन, दिस इज पारिक एंड यू आर वाचिंग अपना चैनल DNP व्लॉग्स। तो भाई कैसे हो सभी, सब बढ़िया? तो रात के बाद कल वाला व्लॉग देखा होगा आपने, तो हम रात को आगे थे इस वाले अपने कैंप में, और अब कैंप का मैं आपको दिखाता हूँ सुबह वाला व्यू, क्योंकि रात को तो इतना कुछ खास दिखा नहीं था, एंड ये है अपना सुबह वाला व्यू, ये देखो भाई साहब, ये हैं छोटे कैंप्स यहाँ पे, और ये है पूरा अपना कैंप, उधर से अभी सिनेमेटिक्स वगैरह भी पूरा अच्छे से दिखाएंगे कि हमारे बड़े कैंप पे तो 7 बेड के होते हैं। वो भाई ग्लव्स तो यहाँ पे मस्त है,
पहनने के लिए, क्योंकि बहुत ठंड है, बहुत ठंड है, टेम्परेचर गया है अभी यहाँ पे माइनस में, सुबह सुबह के टाइम माइनस में गया, बोल दो धूप वगैरह आई हुई है अच्छे से, और अभी सुबह सुबह के टाइम माइनस में गया हुआ टेम्परेचर, माइनस एक या दो होगा, तो मैं अभी एक घंटे पहले देखा तो माइनस दो था टेम्परेचर, और यहाँ पूरा जंगल वाली फ्रीज अच्छी सी आई हुई है, और यहाँ पे बोनफायर वगैरह अभी जो रात को मैं यहाँ नहीं बैठे थे, रात को उस तरह बैठे थे, यहाँ पे पर्सनल बोनफायर होता है वो होता है, यहाँ पे भी अच्छी फोटोग्राफी वगैरह है, और आराम से देख कैमरा मत गिराइयो बस। तो यहाँ पे अभी हम जा रहे हैं यहाँ पीछे की तरफ जो रिवर है, रिवर वगैरह है, पार्वती रिवर इस तरफ आवाज़ नहीं आ रही होगी, आ रही होगी तो अच्छी बात है, उस तरफ जा रहे हैं। और ये देखो भाई, ये जो व्हाइट व्हाइट थोड़ा दिख रहा है वो स्नो जमी हुई है, गिरी भी नहीं है यहाँ पे, मतलब रात को भी स्नो वगैरह जम गई थी इन पे, ठंड बहुत ज़्यादा यार, बहुत ज़्यादा, ग्लव्स पहनने के बाद मेरे को ठंड लग रही है यहाँ पे ऐसे, और वो भी कॉटेज वगैरह कुछ बने हुए हैं, और इधर ये जंगल में जाते हैं, यहाँ पे लेंगे सिनेमैटिक्स अच्छे अच्छे अगर आते हैं तो। ये देखो भाई साहब, मस्त 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 मस्त। तो अभी कैंप वगैरह का मैं आपको और वीडियोस वगैरह दिखाता हूँ, पहले यहाँ पर थोड़ा एंजॉय कर ले हम, नहीं तो फिर वीडियो बनाते रह जाएंगे। तो भाई यहाँ पे तो हम अभी व्लॉगिंग वगैरह कर रहे हैं, फोटोग्राफी वगैरह कर रहे हैं, और अपने यहाँ पे बहुत सारे दोस्त मिल चुके हैं हमको, एक दो तीन और दो उधर है, बस इतना ही है, इसमें से ये वाला अच्छा है और ये वाला अच्छा, वाइट वाला, वो सारे बेकार है, मानते नहीं बात मेरी, ये लोग मान रहे हैं। और छोटू छोटू किस इसका क्या नाम रखें, इसका क्या नाम रखें, छोटू ओ भोक्ता भी है। तो भाई अभी यहाँ पे फोटोग्राफी वगैरह तो बहुत अच्छी हो चुकी है, और टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, मेरे को नहीं पता कितना टाइम हो चुका है, क्योंकि 12 बजे, हाँ मतलब दो तीन घंटे से तो हम खींच रहे हैं फोटोज़ वगैरह। और ये हमारा दूर से एक बार कैंप का देख लो नज़ारा, इधर थी हमारी फोटोग्राफी वगैरह का जो सेक्शन वगैरह था, सेशन वगैरह था, इशू इधर आ रहा है, और अभी चलते हैं इधर। हो ये यहाँ से था हमारा गेट, ये पता नहीं ये क्यों लगा रहा था ये, तो ये हमारा जो
कैंप था वो है, और भाई काफ़ी अच्छा कैंप रहा, काफ़ी मज़े आए यहाँ पे। फोटोग्राफी सिनेमेटिक्स आपने देखे होंगे, ऑल क्रेडिट गोड टू मोहित जोशी, मोहित ने लिया हमारे सिनेमेटिक्स वगैरह उसका, आपका उसमें भी लिंक वगैरह मिल जाएगा। और यहाँ पे ये सारे का आपका नाश्ता चल रहा है इनका बिना बताए, अभी दिखाते हैं रुको। क्या क्या बहुत चाय ले, हमने अदरक वाली बनवाई स्पेशली घर में। तो भाई यहाँ पे एक बार ना स्नो देखो, ये जो वाइट वाइट दिख रहा पूरा, ये एकदम स्नो जमा हुआ अच्छे से। और ये कैंप्स वगैरह तो मैंने आपको कितनी तरह से दिखाई रहा हूँ सारे, मतलब फील ये पूरा जंगल देखो पीछे, और उस तरफ हम थे, उस तरफ पार्वती रिवर थी वहाँ पे, और उस तरह ज़ारा नाम की लड़की भी, उससे मिलवाते हैं अभी आपको थोड़ी देर में। और उससे पहले हम मिलते हैं भैया से जिनका ये कैंप है, मोहित भाई बिग फैन मोहित भाई, मजे ले रहे हो। तो भैया यहाँ पे हैं, भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम विक्की है भैया। तो भैया का नाम विक्की है, और ये कबीला कैंप मोहित ने ढूंढा था, मेरे को नहीं पता था, मोहित ने ढूंढा था। और यहाँ पे मतलब हम रात को आए थे, रात को आके तो वीडियोस वगैरह आपने देखी है, मतलब इंस्टाग्राम वगैरह पे देखी हुई, कितना अच्छा हमको एमबीएस वगैरह मिला है। और एक बात बताऊँ, भैया का यूट्यूब चैनल भी है, उसका भी स्क्रीन पर आ रहा होगा, जाके वो फॉलो करना, चेक करना, और इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और अभी स्क्रीन पर भी आ रही है। तो भैया किसी को यहाँ पर पहुँचना हो तो कैसे पहुँचें? भैया पहले तो अगर दिल्ली से आना तो भुंतर तक के लिए और कसौल के लिए वॉल्वो चलती है, तो आप डायरेक्ट वॉल्वो बुक कर सकते हैं या अपना आ सकते हैं। भुंतर से लगभग 25 किलोमीटर रहेगी हमारी कैंप साइट, तो यहाँ से 4 किलोमीटर आगे कसौल है, उससे आगे मणिकर्ण है, और ये वैली ट्रैकिंग के लिए फेमस है। यहाँ पर आप खीर गंगा का ट्रैक कर सकते हैं, ग्रहण का ट्रैक कर सकते हैं, और भी बहुत सारे ट्रैक है, आप एक बार उसकी पिक्चर ले लीजिएगा। हाँ वो मैं अभी दिखाता हूँ रिसेप्शन वगैरह पे, मतलब ट्रैक पूरा ट्रैक है उसका, एक मैप सा बना हुआ है, वो मैप भी आपको मैं दिखाता हूँ क्या क्या है क्या क्या नहीं है। और भाई एम्बियंस बहुत अच्छा है, मतलब ये नहीं है कि किसी कैंप में रुके हैं, किसी होटल में रुके हैं, अपना घर वाला फील आता है, मतलब बहुत अच्छा। रात को भी बॉनफायर वगैरह करा हमने, बहुत अच्छे से सही करा, काफ़ी इन्जॉय किया हमने, खूब डांस किया, और रात को बॉनफायर जली हुई थी तो काफ़ी मस्ती रही, और अच्छा ग्रुप है, हम चाहेंगे कि आप जैसे लोग आते रहे, मिलते रहे। भैया जरूर जरूर जरूर। भाई भैया का यूट्यूब चैनल है कबीला व्लॉग्स के नाम से, और अपना इंस्टाग्राम है कबीला कैंप कसौल, कबीला कैंप कसौल के नाम से। वैसे तो डिस्क्रिप्शन में दोनों की आईडी वगैरह मिल जाएंगे, बजा के चेक जरूर करना चेक। और बाकी आपने देखा होगा एमबीएंस कितना अच्छा है, मतलब रात की लाइटिंग वगैरह तो देखी थी कितनी अच्छी है, और सुबह की जो ब्यूटी है वो अलग ही है। कैंप और भी बहुत है, पर ये जो आया ना एकदम पीछे रिवर पड़ती है, इतनी अच्छी फोटोग्राफी वगैरह, इतना अच्छा एमबीएंस, भाई कोई ना जगह देख के नहीं जाता, कोई अपनी वाली फीलिंग देख के जाता है, तो हमको यार यहाँ पे वो फीलिंग मिली है, और बहुत अच्छा। और अब दिखाता हूँ मैं अंदर से, रिसेप्शन वगैरह भी दिखाता हूँ, और वो जो भैया मैप बता रहे थे वो भी दिखाता हूँ ट्रैक वाला। और भाई ये स्नो देख लो भाई, भैया ये वाला ट्रैक है पूरा, ये देखो भाई पूरा ट्रैक, पूरा एक मैप है ये बना हुआ, अच्छा ये वाली मनाला विलेज की फोटो है, पूरा ट्रैक देख लो। और ये अपना कैंप, तो भाई फाइनली ये अपना रूम है, अपना टेंट है, और इसको करते हैं हम फाइनली बाय बाय। नहीं थोड़ा तो मैं फैलाई दिया हमने वैसे करके, पर हम निकलते हैं अगली डेस्टिनेशन के लिए, वो देखेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। जा रहा हूँ मैं टाटा, आते हैं मिलते हैं अगली बार। ओ भैंस की तो भाई फाइनली बाय बाय टू कसौल, एंड हम जा रहे हैं अब नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। भाई मुसाफिर बन चुके हैं, बस घूम ही रहे हैं रोज ही रोज, कहीं अलग जगह बस निकल दिए अब अपनी अगली डेस्टिनेशन के लिए। तो इस व्लॉग में इतना ही था, मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में अगली डेस्टिनेशन पे, इंटरेस्टिंग और बढ़िया जगह के साथ में। आगे भैया, और भाई ये यहाँ की आ रही है बर्फ़ जो जमी हुई है ना जगह जगह, ये अलग ही फील है। तो जी मिलते हैं आपसे अगली जगह, तब तक के लिए वीडियो कर देना लाइक, चैनल कर देना सब्सक्राइब एंड शेयर, मिलता हूँ मैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए व्हाट टू डू इज स्टे पॉजिटिव बी पॉजिटिव टू बी, बाय बाय टेक केयर। तो वट इज अप छबील भाई, छबील भाई मेरे चैनल अगेन, जितिन सिपारी एंड यू आर वाचिंग अपना चैनल डी एन पी ब्लॉग्स। तो भाई एक बार रात को हम इस प्रॉपर्टी में रुके हुए थे, यहाँ पे काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है,
एंड ये थोड़ा व्यू ज़्यादा व्यू सा आ जाता है। और अभी वी आर गोइंग टू पैराग्लाइडिंग पॉइंट। पैराग्लाइडिंग देख के लोग चश्मे वगैरह लगा रहा था हमने, तो अभी शूट्स वगैरह आएंगे, देखते हैं। इससे आते नहीं आते हैं, पहली बार ट्राई कर रहा हूँ। तो अभी हैं हम बैजनाथ मंदिर के पास में जो आता है मैकलोडगंज से थोड़ा पहले, और हम जा रहे हैं पैराग्लाइडिंग करने के लिए। ये पानी तो हिमाचल का इतना साफ आता है पूछो मत। पैराग्लाइडिंग होगी हमारी वहाँ पे, उस पॉइंट पे, उधर उधर दिख रहा वहाँ पे, एंड हमारा टेम्पोटर वगैरह सब तैयार है। अभी जा रहे हैं पैराग्लाइडिंग पॉइंट के लिए। आपको सीधा मिलता हूँ मैं पैराग्लाइडिंग पॉइंट पे, या फिर उनके पास में जहाँ पे हम जाएंगे वहाँ पे थोड़ी देर बाद में। तो भाई ये है पैराग्लाइडिंग वाला जो हम करने वाले हैं, पैराबिलिंग। और ये है भैया की शॉप, और इसकी एक बात बता दूँ कि पैराबिलिंग है जिसमें इंटरनेशनल जो अपनी चैंपियनशिप्स वगैरह होती है वो होती है। इस पर आपने एक मनाली वाली वो जो होती है क्या कहते हैं 100-200 रुपये दे के पे वो लैंड करवा दी, वो सब वो इसी की थी। तो अभी आगे चल के और करते हैं। तो भाई अभी मोहित में और ये सारे इधर बैठे हैं, ये सब आ चुके हैं यहाँ पे पैराग्लाइडिंग पॉइंट पे। और ये बेसिकली पैराग्लाइडिंग पॉइंट नहीं है, ये लैंडिंग पॉइंट है, ठीक है। और अभी हम जा रहे थे कोई कैफे वगैरह देखने, क्योंकि अभी जो हमारी वैन आने वाली है उसकी थोड़ा टाइम लगेगा। और यहाँ पे देख लो भाई, इधर से पैराग्लाइडिंग चल रही है, वहाँ से हमारा लैंडिंग जो हमारा फ्लाइट होती है वहाँ से लेंगे। और यहाँ पे थोड़ी कोल्ड ड्रिंक वगैरह बस लेने के लिए आए हुए हैं। और भाई सही बात बता दूँ तो पैसे तो अपने को बहुत जायज़ लगे हैं, और जिनसे हमने करवाया वो उनसे भैया से भी मिलवाता हूँ करवाता हूँ अभी। और ये देखो भाई ये ऐसे चल रही है, अभी हमारा भी हाल होने वाला है, ऊपर जाके पता चलेगा कैसे होता है कैसे नहीं होता है। ऊपर से ऊपर जाते हैं नीचे आते हैं, ये देखो भाई जगह जगह पूरी फ्लाइट से भरा पड़ा है पूरा, यहाँ से नहीं दिख रहा कुछ शायद। कोका थम्स अप होगी, थम्स अप ले ले, चल कोई नहीं ले ले फिर। ये देखो यहाँ पे लैंड हो गया, सब जाएंगे अभी, बस हमारी बहन आने वाली उसके बाद आते हैं। और आपको सीधा मैं ऊपर जाके मिलता हूँ जहाँ पे हमारा क्या कहते हैं फ्लाइट का जो पॉइंट है, फ्लाइटिंग पॉइंट, वहाँ जाके मिलते हैं अभी। और ये है अपना लैंडिंग पॉइंट, और हमने जो पैराग्लाइडिंग करी है वो है जैसे मैंने आपको बताया था वीर पीठ से करी है हमने। आगे मिलते हैं फिर करके पैराग्लाइडिंग, अभी बस एक्साइटमेंट कुछ ज़्यादा बस बोल नहीं समझ रहे ना। वहाँ से थोड़ा सा लोगों का फिर बोले फोटो। तो भाई अभी हम आ चुके हैं अपने पैराग्लाइडिंग जो फ्लाइटिंग पॉइंट है वहाँ से, ये है बिल्डिंग यहाँ पे, और यहाँ से अपना फ्लाइट जाने वाला। और एक बार आपको मैं लोकेशन दिखा देता हूँ,
ओ भाई हाँ साथ आए साथ में आप ही साथ हो तो भाई ये है एक बार लोकेशन देख लो ये लोकेशन है यहाँ से जाएगी अपनी फ्लाइट बस भाई हम मिलते हैं फ्लाइट के बाद में और फ्लाइट के साथ साथ लगा तो नहीं पक्का। तो भाई अभी हम आ चुके हैं अपने पैराग्लाइडिंग जो फ्लाइटिंग पॉइंट है वहाँ से ये है बिलिंग यहाँ पे और यहाँ से अपना फ्लाइट जाने वाला और एक बार आपको मैं लोकेशन दिखा देता हूँ। तो भाई ये है एक बार लोकेशन देख लो ये लोकेशन है यहाँ से जाएगी अपनी फ्लाइट बस भाई हम मिलते हैं फ्लाइट के बाद में और फ्लाइट के साथ साथ हमारे साथ आगे की ओर रन करना है ठीक है आपको और आपके पायलट का पोजीशन सेम ऐसा रहेगा आप आगे रहेंगे और आपका पायलट जो है पीछे रहेगा हम बोलेंगे आपको भागिए तो आपने जो है ना आगे की ओर रन करना है यहाँ तक ना बस आपने भागते ही रहना है इसमें बैठना और जंप करना होता ही नहीं है बैठना नहीं और जंप नहीं करना है बिल्कुल भी नहीं करना है कंटिन्यू रन करते ही रहना है आगे की ओर आप भागते भागते आप ऑटोमेटिकली एयरबोर्न हो जाएंगे उड़ जाएंगे और ऑटोमेटिकली सिट डाउन हो जाओगे ठीक है इसमें भागते भागते ना ही रुकना है ना ही बैठना है ना ही जंप करना है ओके ओके भाई हाथ अंदर डालने इसके क्या बताता आपको किसके अंदर ऐसे हाँ बस ऐसे रखने हाथ ये फ्री रखने हाथ ओके ऊपर आ गया मेरे को ऐसे ही रखना है के कुछ आने दे फिर करेंगे कैसे बदले रेडी हाथ नीचे बरसी अभी चल 1 2 3 स्टार्ट चलो खींचो Woo!
लगा तो नहीं पक्का क्रैश लैंडिंग होगी अपनी। ओ पूजा जी, हाँ बहुत मजा आया। इनको देखो पक्का, पहले तो बोल रहे थे उल्टी गई। बहुत अच्छे थे उल्टी हुई कुछ भी नहीं। नहीं ये उल्टी हुई। हाँ ऐसे वो पूरा कहना भी है। तो भाई अभी पैक लैंडिंग करके हम नीचे आ चुके हैं ऑफिस में और ये है पूरा पैनल कटिंग वाला ग्राउंड, एक बार देख लो पूरा अच्छे से। और भाई एक्सपीरियंस जो रहा है वो तो देखा ही है। एक बार मेरा क्रैश भी हो गया था, नीचे आते थे मतलब लड़की सामने थी हटी नहीं थी, फिर हमने तो जप्पी पाली जी लड़की को भी और साथ में ले गए और पैनल कटिंग करवाई है भैया ने। ऑलमोस्ट तो ही। तो भैया कैसे क्या एक्सपीरियंस था ऑफिस से, क्या आना है कैसे करना है? एक्सपीरियंस तो मेरा मैं बताऊं भाई एकदम बेस्ट रहा है। प्राइस मैं बताऊं तो बहुत रीजनेबल प्राइस है, बहुत मतलब प्राइस मत देखो, जहां से पैनल कटिंग हो रही है वो देखो और उसके हिसाब से प्राइस देखो। मनाली वगैरह में करके आओगे 1200 रुपये दे दोगे, 1500 रुपये दे दोगे, 2000 दे दोगे, पर यहाँ आके जो प्राइस लगते हैं एकदम बेस्ट। तो भैया किसी को आपके पास में आना हो कहाँ पे, वैसे तो बताने की जरूरत है नहीं किसी को कहीं पे, फिर भी जैसे आप जानते हैं अभी है वी बिलिंग की जो वर्ल्ड फेमस टाइगर सेट है नंबर 2। सही बात है और एशिया में नंबर 1 है। तो अपने जब भी आप सर्च करो बीर बिलिंग सर्च करना। ओके भाई बीर बिलिंग सर्च करती है आपको कहीं पे भी, मतलब कहीं पे भी सर्च करो दिख जाएगा, पता चल जाएगा बीर बिलिंग क्या है। ये गया भाई तो बता दूंगा बीर बिलिंग क्या है, सब पता चल जाएगा। एशिया का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है और वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट पॉइंट है और जो एक्सपीरियंस यहाँ मिलता है ना भाई वो नहीं बता सकते। कुछ शेयर कर सकते हो कि आपने कैसा फील किया? वो मैं बता रहा हूँ, मैं एकदम बेस्ट रहा है। मैं कहा भी मैंने कि ना अगर मनाली दोबारा 100-2000 रुपये दे के वेस्ट करना है। तो यहाँ जो निकलता है रियली में पैराग्लाइडिंग का जो एक्सपीरियंस करना है तो आपको बीर बिलिंग के अंदर आना चाहिए। वर्ल्ड में जो हाईएस्ट तो हाई है, ऊपर से सेफेस्ट भी है। सही बात है, जो मैंने करी एकदम सेफ लगा मेरे को भी। और दूसरी बात, यहाँ पे चैंपियनशिप्स होती हैं तो अंदाजा लगा सकते हो कि क्या चीज़ है यहाँ पे एक बार करने के लिए। तो किसी को भी आना है भैया का कार्ड का फोटो आपको मिल जाएगा, नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एड्रेस वगैरह सब कुछ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फोटो इंस्टाग्राम पैराबिलिंग एडवेंचर भैया इंस्टाग्राम पे भी है जी, पैराबिलिंग एडवेंचर इंस्टाग्राम पे भी, इंस्टाग्राम आईडी अभी आ रही है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो जाकर ठोक दो फॉलो वगैरह जो भी करते हो एकदम अच्छे से। तो मिलता हूँ आपको आगे। तो व्हाट इज अप टू विलेंस विल वेलकम टू द चैनल अगेन, जितने तुम्हारी गन यू आर वाचिंग अपना चैनल डीएनपी व्लॉग्स। भाई ऐसे नहीं, थोड़ा स्वैग के साथ चश्मा लगा के फिर व्लॉग करेंगे, ठीक है? तो भाई ठीक है, हमने चश्मा लगा लिया। तो राइट नाउ वी आर एट मैक्लोडगंज, ये पूरा अपने पीछे मैक्लोडगंज है। यहाँ पे जो मेन मार्केट है मैक्लोडगंज से इधर है, ये छोटा वाला मार्केट है। आज संडे, आज पूरा लॉकडाउन लगा मैक्लोडगंज में, क्योंकि संडे को मैक्लोडगंज शिमला इधर लॉकडाउन रहता है पूरा। और ये है पूरा मैक्लोडगंज और उधर मोहित एंड इधर मैं। और एक चीज़ बढ़िया वाली दिखाता हूँ अपनी टी शर्ट से वाली, संस्कारी विद हुक्का। और वहाँ पे हम जितने भी है वहाँ पे खड़े, अच्छा हाँ सिगरेट भी यहाँ पे, हुक्का सिगरेट दोनों चलती है। हाँ वहाँ पे जितने भी है सबकी ये अपनी टी शर्ट्स वगैरह है संस्कारी विद हुक्का। एंड अभी हम जा रहे हैं ट्रैक के लिए, जो ट्रैक है वो कितने किलोमीटर का है? 8 किलोमीटर का जो त्रिगुण ट्रैक है वो, और वो खाने पीने का भी सारा उसी में इंक्लूड है। जो प्राइसिंग वगैरह होती है वो ऊपर जाके देखते हैं ऊपर क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। अभी तो बस 11:45 हो चुके हैं, 11:44 हुए हैं अभी भी, और बस हम निकल रहे हैं ट्रैक के लिए। वहाँ से कुछ सामान वगैरह ले रहे हैं, पानी वगैरह ले रहे हैं, और ट्रैक के जो एसेसरीज वगैरह होती हैं जो हमको चाहिए ट्रैक करते टाइम वो ले रहे हैं। रास्ते में बताता रहूँगा या फिर ऊपर पहुँच के बताऊँगा कि हमने क्या क्या सामान अपने साथ कैरी किया है और क्या क्या कैरी करना चाहिए। तो चलते हैं अभी, क्योंकि लेट तो वैसे भी बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। तो भाई ये हैं ट्रैक के सीन्स कुछ ऐसे, और भाई क्या कहने ये है पूरे सीन्स। बाकी लोग ईशो वहाँ पे फोटो खींच रहा है, भैया वगैरह वहाँ पे है और वो वहाँ पे पहुँच चुके हैं। और भाई ट्रैक के तो अलग ही सीन आ रहे हैं, मतलब पूरे मस्त वाले। ये फोटो लेता रही बेटा, हम जा रहे हैं, ये बढ़िया फोटोज़ वगैरह ले रहा भाई, काफ़ी गजब फोटोज़ वगैरह आएंगे। और ये यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है चेंज, यहाँ पे ये चेंज लिखा हुआ काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये सारा वेस्ट लिखा हुआ है जो यहाँ पे वेस्ट मिलता है, एक बार दिखा देता हूँ। ये देखो चिप्स के कूड़े वगैरह, अबे वो सारे पूछ के। तो भाई ट्रैक अभी बेसिकली स्टार्ट हुआ नहीं है और नेक्स्ट लेवल फील आ रही है। हमें जो ट्रैक करना है वो है ये फटके कितनी और की है मेरी नहीं तुम्हारी। अरे जी जाओ तो फटके 400 हो गई वो भैया बताएंगे कितनी हुई है। नहीं भैया डोंट लाइक ट्रैक
ट्रैक डोंट लाइक मी बिलाल चौधरी तो भाई ये है अपना ट्रैक वगैरह, एक बार नज़ारे देख लो भाई। अभी तो ट्रैक मतलब स्टार्ट हुआ है, हम उधर उधर से आए हैं, ये आए हैं इधर जैसे, ये पूरा ट्रैक है और ये तो कैफे वगैरह कुछ है। तो अभी और चढ़ते हैं ऊपर, हाँ मतलब अभी स्टार्ट हुआ है ट्रैक और ट्रैक में तो मज़ा आ गया भाई, आराम आराम नाल फिर बैठ गए। तो भाई ये देख लो, ये है ट्रैक, त्रियुंद ट्रैक, और यहाँ से वहां से मुश्किल से एक यहाँ से स्टार्ट हुआ ट्रैक अपना वॉटरफॉल से। भाई ये है रास्ते त्रियुंद ट्रैक के, ओ भाई नेक्स्ट लेवल एडवेंचर है भाई। खत्म है ही कहाँ चॉकलेट्स, आगे जाके रुको एक जगह, चलो से फूल रही है बार बार, मतलब इतनी दिक्कत नहीं आ रही, नॉर्मल चल रहे हैं पर सबको साथ लेके चल रहे तो इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। और ये एक बार यहाँ से व्यू देखो भाई, ये मैक्लोडगंज है उस साइड वाला धर्मशाला है। अच्छा ये ऊपर जो दिख रहा है ये वाला मैक्लोडगंज है, वहाँ पे धर्मशाला, अच्छा वो उधर उसके उस पार पूरा धर्मशाला, वो धर्मशाला है। तो भाई व्यू ये लगा रहे हैं, मजे ये लगा रहे हैं, बस क्या कह रहे हैं, थोड़ी चोट लगी मेरे को, दिखाई भी चल गया, खाना पिया की भी लगी थी, और बाकी अपने भाई बंधु तो निकिता और पूजा जी वहाँ पे बैठे हैं, सुचिता ऊपर चली गई, काना भी ऊपर चले गए हैं, और रीशू ऊपर चला गया है, हम भी चलते हैं। रास्ता तो देख ही रहे हो भाई कैसे कैसे हैं, देखो तो भाई ये है त्रियुंद का मिड पॉइंट, यहाँ पे मिड पॉइंट होता है, आधा रास्ता त्रियुंद का ख़त्म और आधा बचा है। ये देखो भाई ऐसे लुक है, और ये तिब्बतन फ्लैग्स, भाई मैं अपना बताऊँ तो मैं फर्स्ट टाइम ट्रैक कर रहा हूँ, पर जो ट्रैक करके मेरे को एनर्जी आई है, जो मज़ा आ रहा है ना वो नेक्स्ट लेवल है, अपना नेक्स्ट लेवल मज़े आ रहे हैं, और मज़े ट्रैक करके नहीं आ रहे, मज़े ना ये लुक्स देख के आ रहे हैं भाई, क्या जगह है, क्या जगह है, मतलब नेक्स्ट लेवल ही मज़े आ रहे हैं। और ये घर जो पत्थरों से बने हुए हैं, एक ये बना हुआ है, एक वो बना हुआ है, एक वो बना हुआ है, अलग ही फील आ रही है। और ये था हमारा मिड पॉइंट, यहाँ पे सब भाई मतलब कैमरा नहीं कर पाएगा जस्टिस, क्या लुक है भाई, क्या मज़े,
देखो एक बार, ये है यहाँ के मजे। चलो वापस टाइम लेस एंजॉय करो। ये तो रहा निकिता, बोलना मत अभी। हाँ भैया तुम तो सुबह 7:30 बजे पहुंच। तो भाई ये लोग अभी हम पहुंच चुके हैं त्रियुन ट्रैक पे। हमारा जो ट्रैक है वो मतलब जो कैंप वगैरह वो लगने वाला है यहाँ पे, वहाँ पे होने वाला सनसेट। और अभी हम जा रहे हैं वो माउंटेन्स देखने के लिए वहाँ पे। अभी काना भैया, ईशु, सुचिता, निकिता वो यहाँ चल रहे हैं, मोहित सुचिता वहाँ पे हैं, मैं अभी चलूँगा और पूजा जी वहाँ बैठे हैं क्योंकि उनको थोड़ा अनईजी फील हो रहा है इसलिए। तो अभी वहाँ चल के वहाँ के व्यूज़ वगैरह देखते हैं, थोड़ा टाइम लैप्स वगैरह लेता हूँ सनसेट होने के, फिर ये वीडियो करते हैं यहाँ पे क्लोज। आप बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, ट्रैक पहले कभी किया नहीं, फिटनेस अपनी पूरी है, अभी भी आगे व्लॉग वगैरह कर रहे हैं, फिटनेस पूरी है पर ट्रैक नहीं किया कभी यार इसलिए। अच्छा वैसे ये वाला और उसके बाद वाला टेंट होने वाला हमारा, वो भी आगे दिखाते हैं कैसा टेंट है कैसा टेंट नहीं है। बोनफायर वगैरह होगी, उसमें खाना वगैरह चलेगा, खाने में दाल चावल और चपाती मिलने वाले हैं, बोनफायर वगैरह भी होगी, साथ में मस्ती भी लगाएंगे। तो पहले वहाँ चलते हैं, वहाँ का थोड़ा कैप्चर करते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपको यहाँ पानी पानी वहाँ पे। तो भाई आ चुके हम त्रियुन टॉप पे। बेसिकली त्रियुन टॉप नहीं है, त्रियुन टॉप वहाँ पे है और वहाँ तो जाने की हिम्मत नहीं है क्योंकि सनसेट होने वाला है और सनसेट होने के बाद अपने को कुछ भी नहीं दिखने का है। अभी से अंधेरा होने लग गया है तो नहीं, इतना भी अंधेरा नहीं हुआ है, लगाने के बाद ज़्यादा अंधेरा लग रहा है। तो भाई ये रास्ते ऐसे हम ऐसे रास्तों से हैं, बहुत ज़्यादा रिस्की था, इसलिए मैं नहीं वैसे रास्ते से, मतलब मैंने व्लॉग नहीं किया रास्तों पर। और भाई ये है जन्नत, कहाँ लोग पार्क फॉरन जाते हैं, स्विट्जरलैंड पेरिस, ये देखो यार, ये तो पहले ये तो एक्सपीरियंस करो। तो ये था अभी, ओ अपने को एक दोस्त मिला यहाँ पे, वो रहा वहाँ पे, वो वाला। तो बस अभी के लिए इतना ही था, वापस हमने क्या रख रहे हैं अंदर, बस एक व्यू दिखाना था कि लास्ट में आके हमने इतना वो करके हम यहाँ तक आए हैं तो क्या मिला है। बस अभी जा रहे हैं अपन वापस नीचे जाके फिर टेंट वगैरह दिखाता हूँ। और एक बार यार वो सीन देखो, अलग अलग कलर्स में सब कुछ। तो भाई रात को अपना ये टेंट था यहाँ पे, यानी चाहते थे, बहुत अंधेरा सा हो गया था इसलिए ना अपन थोड़ा व्लॉग वगैरह कर नहीं पाए थे, मतलब अंधेरा हो गया था, अंधेरे में क्या फ़र्क पड़ता है, यहाँ पे लाइट वगैरह कुछ भी नहीं थी। तो अभी टेंट दिखा देता हूँ आपको, ये है अपना टेंट, यहाँ पे हमको मिले थे ये स्लीपिंग बैग सोने के लिए जो कि बहुत गर्म थे, पर रात को अपना सीन हो गया था कि जिप खराब हो गई थी तो हवा तो अल्टीमेट ही आ रही थी अंदर,
वहाँ पे गाना भी सोए थे, यहाँ पे शो था, यहाँ पे मुझ सोया था, वहाँ पे मैं सोया था। सिर्फ इतनी जगह थी, एक जन हो रहा था, इतनी जगह थी ये बीच में। और इसके बाद में ये देखो बाहर की व्यू। तो भाई ये थे हमारे टेंट और ये है सुबह सुबह का व्यू, ये देख लो भाई। अच्छा हमारा वॉशरूम वाला टेंट उधर है, ये सुबह सुबह का व्यू देख लो। और अपना सनराइज होने वाला है उधर से, वहाँ से और दिखाते हैं अच्छे से। और अपने को हमारा छोटू दोस्त मिल गया यहाँ पे। छोटू हेलो, ये देखो भाई ये है नज़ारे। और हमारा मन था कि व्लॉग यहीं पे एंड करेंगे, पर ये व्लॉग एंड नहीं करेंगे क्योंकि हम जा रहे हैं अभी त्रियुंत के ऊपर, वहाँ पे एकदम टॉप पे वो जो दिख रहा है वहाँ पे, वहाँ पे जाके फिर और थोड़े नज़र नज़ारे वगैरह देखते हैं वहाँ पे ऊपर क्या मिलता है। एक त्रिशूल वगैरह है वहाँ पे, वहाँ जाके देखते हैं और वहाँ पे फोटोग्राफी वगैरह थोड़ी बहुत करते हैं क्योंकि अपना टैटू है ना वो वहाँ पर जा पाला, वो काम आना चाहिए। तो उधर से मुँह उतारा हल्का ओके तो ऊपर जाते हैं, ऊपर जाके मिलते हैं। और यार ये भी ओह नेक्स्ट लेवल। तो भाई ये चल रहा है अपना प्रॉपर त्रियुंत ट्रैक, सांसें बहुत फुल की भाई। और अपने साथ सीन क्या हुआ है, मैं भी अकेला हूँ क्योंकि पूजा जी वहीं पे रुके हैं और बाकी सब वापस लिया मार रहे हैं उधर। मैं पूजा जी के साथ में आ रहा था तो और पीछे रह गए थे, अब उनसे नहीं आ जाए तो मैं अकेला जा रहा हूँ। और ये लोकेशन देख लो भाई, ये है रास्ता, ये है ट्रैक और इधर ये सब बादलों का लेवल देख रहे हो एकदम पास में, ये भाई उधर जाना है। चलो ये भाई बना रहे हैं बर्फ, चलो बर्फ बॉडी हाइड्रेटेड। हाँ मैंने तो खाई, ये भाई एंटरटेनमेंट वाली बर्फ है, ये यहाँ से हो रहा है। ये मस्त था, फ्रिज में भी ऐसी जमती है ना, फ्रिज में आपको लगा रहा हूं इतना ही पूछूंगा, छोटी वाली क्या था, छोटे वाला क्या था, क्या था बड़ा। Wonder if these bright days will last forever.
from the past, all the good things end up in caskets. I'm never feeling okay. Good days are so hard to find. Just help me know all the pain. Ooh, one step from dying. My angels keep it at bay. तो भाई ये है त्रियुंद टॉप, समझ रहे हो, एकदम टॉप। ये है त्रियुंद टॉप, यहाँ पे बस ये कॉटेज बना हुआ है और कुछ भी नहीं है, पूरा खाली 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 खाली। यहाँ पे बुद्धिस्ट फ्लैग मिल जाते हैं हमको और वहाँ पे एक मंदिर मिल जाता है और कुछ भी नहीं है, पूरा खाली है एकदम। बादल का लेवल वापस देखो। तो ये त्रियुंद टॉप, हम त्रियुंद टॉप पे आना था, त्रियुंद टॉप पे आ चुके हैं और यहाँ पे आते आते हमको बर्फ़ भी मिल चुकी है अच्छी खासी। यहाँ भी बर्फ़ है, उधर भी बर्फ़ ही बर्फ़ पड़ी है। ये देखो, ये देखो, सामने तो दिख ही रही है बर्फ़ ही बर्फ़। ये देखो भाई, बर्फ़ ही बर्फ़, बर्फ़ ही बर्फ़, देख रहे हो ना, मुझे देख रहे हो एकदम बर्फ़। और ये लेवल यार क्या ही है। तो भाई ये था त्रियुंद टॉप, अब हम जा रहे हैं नीचे की और वापस हमको नीचे मैक्लोडगंज पहुंचने में लग जाएंगे कम से कम भी 3 से 4 घंटे, कम से कम कहा मैंने, ठीक है, कम से कम 3 से 4 घंटे। और पहुंचने के बाद फिर हम जाएंगे मैक्लोडगंज घूमने के लिए, थोड़ा साइट सीन वगैरह करने के लिए। तो ये वाला व्लॉग बहुत लंबा हो चुका है, नो, तो ये वाला व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। होप सो आपको अच्छा लगा, अच्छा लगा तो आपको क्या करना है, व्लॉग को कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब और वीडियो कर देना शेयर। मैं मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में, अगले व्लॉग में, समझ रहे हो ना, अभी इंटरेस्टिंग व्लॉग आ रहे हैं सॉरी मैं मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए व्हाट यू हैव टू डू इज स्टे पॉजिटिव, बी पॉजिटिव टू बी हियर, बाय बाय, टेक केयर। तो व्हाट इज अप टू बिलियन से वीडियो, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन, जितनी पारी कैन यू आर वॉचिंग अपना चैनल DNP व्लॉग्स। तो भाई आज अपना लास्ट डे है मैक्लोडगंज में और अपना ट्रैक था इस तरफ से, अभी हम जा रहे हैं मार्केट इस तरफ को। हम मतलब इशू, मैं और सुजिता, निकिता और पूजा जी पहुँच चुके हैं थोड़ी सी आगे, ये और काना भी ट्रैवल को लेके आएंगे साथ साथ में। ये शाम को तो घूम, वैसे शाम को गए थे हम, शाम को अच्छे से घूम चुके हैं, बस यार पेस्ट्री नहीं मिली थी उसके लिए जा रहे हैं, अगर मिल जाती है अभी तो किस्मत नहीं मिलती तो फिर किस्मत, तो अभी बस वहाँ जाते हैं यार पेस्ट्री वगैरह लेते हैं। और होप सो अगर टाइम वगैरह मिला, कुछ हुआ, मतलब जाने का सीन सा बैठा, तो चर्च भी जाएंगे जो यहाँ का फेमस, क्या नाम है चर्च का, सेंट जॉन्स अंकल कुछ, अंकल चर्च, अंकल अंकल वो जो बस्सी वाला ना, कौन सा अंकल था वो हॉस्टल में, जॉन अंकल वाले चर्च में जा रहे हैं, बहुत डरावना चर्च है भाई, वहाँ जाएंगे, वहाँ जाके फोटोग्राफ्स वगैरह, वहाँ तो सारे साथ में जाएंगे, फोटोग्राफ्स वगैरह लेते हैं। और भाई धूप तो बहुत तेज़ आ रखी है यहाँ पे, बहुत तेज़ वाली धूप है, मतलब गर्मी से लगने लग गई है। और भाई यहाँ मास्क है जरूर, तो इसलिए सबने लगा रहा, सबने लगा तो वापस जा रहे हैं, ये लगा रहे हैं, लगा लिया, तो हम चलते हैं और थोड़ी देर में मिलते हैं, चलो फिर टाटा। सुचिता, पूजा जी और निकिता थोड़े आगे पहुंच चुके हैं, बस हम निकलते हैं यहीं से, यहीं पे हमारा पास में होटल था। होटल का मतलब फैसिलिटी इतनी ठीक ठाक, मतलब जो प्राइस के हिसाब से हमको होटल मिला है ना, मतलब अगर सीधे से बताऊं 3000 वाला होटल हमको 800 रुपये में मिला है, बहुत सही था, बहुत सही था, बहुत सही था। तो भी जाते हैं आपको मैं सीधा मिलता हूँ मैक्लोडगंज के, ये रास्ते में पैदल पैदल जा रहे हैं, यहाँ से 1.5 किलोमीटर है, तो पैदल पैदल चलते चलते देखते हैं, ये पूरा टैक्सी स्टैंड है यहाँ पे। अब आपको दिखाते हैं सीधा स्क्वायर जो मेट्रोगंज का मेन मार्केट है वो। तो भाई अभी हम एंटर कर रहे हैं मैक्लोडगंज से, जो मार्केट है मेन, जो मैक्लोडगंज स्क्वायर कहते हैं उसके अंदर, और
यहाँ से शॉप्स वगैरह शुरू हो जाती हैं, एंटी एंटी चीज़ें। अभी तो हमने तिब्बतीन फ्लैग लिए घर के लिए, गाड़ी के लिए, बाइक के लिए बस। और ये शॉप्स वगैरह शुरू हुई यहाँ से। इसके शॉप का तो कोई मतलब नहीं कि अपना खुद का फर्स्ट कॉपी का काम है। हाँ ये देखो भाई, तो भाई ये है मैकडॉनल्ड्स का मेन जो स्क्वायर कहते हैं उसको। यहाँ पे सारी शॉप्स वगैरह हैं। उधर जाएंगे तो नीचे चर्च वाला रास्ता आ जाएगा, इधर से मार्केट है और हम इधर जा रहे हैं याक पेस्ट्री के लिए तिब्बतन बेकरी की तरफ, इस तरफ। और शॉप्स वगैरह तो देख लो यार, मतलब ना चीज़ें एंटीक एंटीक सी दिखती है। ये भी ले लें, ये भी ले लें, ये देखो। हाँ वेज ही है ना आंटी? वेज 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 वेज। ओके ओके थैंक यू। वही जो डाल दी एक बार। हाँ हाँ पहले ये खा लें फिर भी मेरे को बहुत ज़्यादा याद आ गया। यस आंटी मिर्ची डाल दो अच्छे से। नहीं बहुत ज़्यादा नहीं होगी। अरे ये मिर्ची का ही तो कमाल है पूरा। अच्छा ठीक है। ये बीच वाला आइटम क्या है? यहाँ की वो हटा दिया यार। जिसका अच्छा है शेयर कर देना। यम्मी यम्मी यार टेस्ट। ओ भाई रख भाई तो रोटी के बने हुए। तो भाई अभी भी अपने खाई याक पेस्ट्री और बहुत टेस्टी थी, बहुत टेस्टी थी। हमने एक्सप्रेशन वगैरह मतलब जो रिएक्शन थे वो तो देख ही लेंगे कि आगे कैप्चर हुआ है। बहुत टेस्टी थी और पूरे मैकडॉनल्ड्स में एक ही जगह याक पेस्ट्री मिलती है, वो तो तिब्बतीन क्वालिटी, तिब्बत क्वालिटी वहीं पर मिलती है। सर पाँच सेवन खा के आगे भाई वसूल होगा, चार चार पाँच पाँच मतलब दुकान में जितनी भी याक पेस्ट्री थी हमने सब खा ली और कुछ नहीं बचा है बस। तो अब जा रहे हैं चर्च की तरफ, हमारा टेम्पो टल आ रहा है बस यहीं पर कोने पर और फिर चलते हैं चर्च की तरफ। तो भाई अभी याक पेस्ट्री वगैरह तो खाई है, बड़ी टेस्टी पेस्ट्री वगैरह थी, बड़ी टेस्टी पेस्ट्री थी। और पेस्ट्री वगैरह आगे जो मेन जो मोटिव था मैकडॉनल्ड्स आने का वो दो ही था, एक तो याक पेस्ट्री खाना, दूसरा था ये चर्च आना। चर्च में आ चुका हूँ, मेरे पीछे चर्च है और हमने टेम्पो ट्रेवल अपना वहाँ पर लगा लिया है। और ये रोड है जो नीचे उतरता है और ये है जो मैकडॉनल्ड्स को ऊपर की तरफ जाता है और ये है चर्च। एक बार चर्च का मैं व्यू दिखाता हूँ और बड़ा ही स्केरी चर्च टाइप में है ये देखो भाई। और ये यहाँ पे जो इनके वो होते हैं यार्ड्स होते हैं जो गार्डने वगैरह वाले होते हैं वो हैं भाई। मुझे पता नहीं इनको क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, चर्च में पहली बार विज़िट कर रहा हूँ तो इतना कुछ नॉलेज नहीं है, पर वो यहीं पे है। अभी सब जगेंगे भूत बन के भागेंगे भैंस की यहाँ पीछे पीछे, इनको देख के भाग जाएंगे सारे। हमारे पास में तीन चुड़ैले पहले से है। ये है भाई चर्च। भाई हमने ये चर्च रात को देखा था आते टाइम पे और ये इतना स्केरी लग रहा था उस टाइम पे हद से ज्यादा। आगे से दिखाता हूँ, आगे से देख के भाई एक बार को तो रूह सी कांप जाती है। ये दूसरा रास्ता आने का एंड
ये है चर्च भाई साहब, महाडरावनी चीज है ये, महाडरावनी चीज है, देख रहे हो एक बार। तो व्हाट इज अप छबिलो एंड छबिलो, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। दिस दिन पारिक एंड यू आर वॉचिंग अपना चैनल टीएनटी व्लॉग्स। सांस चढ़ रही है यार ये बोलने में। तो भाई अभी हम डलोजी में और जा रहे हैं खजियार की तरफ, ठीक है से मतलब हमारा बस स्टैंड है इधर, बस स्टैंड पे हमारा टेम्पो टेबल खड़ा है, थोड़ा बहुत नाश्ता वगैरह करेंगे, उसके बाद में जाएंगे खजियार वगैरह। आज का व्लॉग इंटरेस्टिंग होने वाला है एज ऑलवेज। अभी नहीं भाई सांस चढ़ रही है, थोड़ी देर बाद में मिलते हैं वापस। मतलब है आज अच्छा होने वाला है। खजियार यार, खजियार को क्या क्या कहते हैं, स्विट्जरलैंड ऑफ द इंडिया, मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। बहुत बहुत ब्यूटीफुल जगह है, बहुत ब्यूटीफुल जगह है। फालतू के ब्लॉग नहीं कर रहा, वहाँ जाके फिर ही करेंगे ब्लॉग स्टार्ट। शांति देख रहा, शांति शांति नहीं वैसे जंगल है ये। तो अभी वी रीच दैट खजियार, ये पीछे है थोड़ा सा जंगल जंगल टाइप में, और ये इधर है खजियार और मोहित जहाँ पे मेरी फ़ोटोज़ ले रहा है, बड़ी मस्त मस्त फोटोज़ लेता है भाई। ये इसके तो नेक्स्ट लेवल फोटोग्राफी होती है। हमारा टेम्पो ट्रेवल वहाँ लगा हुआ है, खजियार पूरा जो ग्राउंड है मेन ग्राउंड वो इस तरफ है। खजियार की मेन बात क्या है, चारों तरफ पहाड़ आपको दिख रहे होंगे, मतलब ये जंगल है, उधर पहाड़ है, इधर पहाड़ है, इधर पहाड़ है, इधर पहाड़ है, पूरा पहाड़ पहाड़ है। पहाड़ों के बीच में ये बना हुआ है एक वैली टाइप में, जो सर्दियों के टाइम पे, मतलब अभी सर्दियां हैं जनवरी फरवरी में, पूरा स्नो से भर जाता है। इतना स्नो गिरता है, इतना स्नो गिरता है, पूरा एकदम वाइट लगता है। गूगल कर सकते हैं फ़ोटो, या फिर मैं डाल दूंगा अगर पॉसिबल हुआ तो। और उसके बाद में इतना सुंदर लगता है, और अभी पूरा ग्रीनरी है यहाँ पे, बर्फ़ नहीं है, पूरा ग्रीनरी है, और उसके बाद भी इतना सुंदर लग रहा है, इतना सुंदर लग रहा है। हम जब आ रहे थे रास्ते से तो हमने हाइट से थोड़ा फिर देखा था, नेक्स्ट लेवल लुक आ रही थी खजियार की जो देखने में। बीच में लेक बनी हुई है, और इसको मिनी स्विट्जरलैंड इसलिए कहते हैं कि ये पूरा वैली टाइप में बना हुआ है, और इसको नेचर ने खुद बनाया है, कोई आर्टिफिशियल कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं करा हुआ है। ये होटल्स वगैरह बने हुए हैं साइड में, बस वो है जो ये होटल्स इधर उधर है, थोड़ा एक ब्रिज बना हुआ है, बस वो है, और बाकी पूरा नेचर ने खुद बनाया है। देख के ऐसा लगता नहीं है कि नेचर ने बनाया होगा, आप खुद अभी देखोगे तो खुद बता दोगे। तो अभी बस वहाँ पर चलते हैं और देखते हैं। बाकी यहाँ पे हॉर्स राइडिंग वगैरह भी है, पैरा ग्लाइडिंग होती है, ये वो तो सारे एक्टिविटीज़ वगैरह होती हैं, वो भी चलेंगे, तो देखते हैं उधर जाके। If I should stay or be alone, won't you make up your mind? 'Cause I'm getting tired of overthinking every move you make, and I can help you decide who you're loving now, and how I'm not quite there somehow. My intuition says to give you up, but my heart can't easily let you go. I try to tell myself this isn't love, but I hate that I never really know if I should stay or be alone. I'm just waiting for the fire, but you won't even try to survive. You would rather keep it all inside, and I can help you decide who you're loving now, and how I'm not quite there somehow. My intuition says to give you up, but my heart can't easily let you go. I try to tell myself this isn't love, but I hate that I never really know if I should stay or be alone.
should stay or be alone. If I should stay or be alone. I don't wanna be alone tonight. तो किस तरह ना? तो भाई अभी आ चुके हम खजियार में और ये लोग देख के हंसना मत, क्योंकि बस इनकी ये लड़कियाँ देख रहे हो इनकी जितनी, तो हमको ये लुक को बनाना पड़ा तो ये पहनना पड़ा बस ऐसे ही थोड़ा सा लुक में आ गए। और सबका लुक दिखाता हूँ एक बार अच्छे से। ये इशू का इशू, हेलो, ये इशू का ऐसा बना हुआ है। मोहित का तो दिखाता हूँ अच्छे से। नहीं 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 नहीं, ये निकिता का लुक, ये पूजा जी का लुक, ये सुचिता का लुक, ये अपने क्या क्या बोले मियाँ सलाम वालेकुम। तेरा दिखाता हूँ मैं। ये देखो अपने भाई का अपना, अपना पान वाली फीलिंग आ रही है मेरे को, पान वाली। वो तो ये पका पाता है भाई। ये है अपना पूरा खजियार इस तरफ। और अभी करेंगे ऑसराइडिंग वगैरह भी करेंगे, तो ये पहली एक्टिविटी शुरू हुई है, इसी में जमूरा बन चुके हम तो और बनते थोड़े बहुत। तो भाई अभी फोटोज वगैरह तो अपने लिए अच्छी बहुत सारी ली है। पीछे के एक बार नज़ारे देख लो, इधर के नज़ारे देख लो पूरा, मतलब भीड़ भाड़ तो है पर इतनी नहीं है जितनी खजियार में नॉर्मली होती है। और अभी मोहित और मैं जा रहे हैं बहुत ज़रूरी काम के लिए, वो काम है घोड़ा पकाने के लिए मतलब हॉर्स राइडिंग करने के लिए जा रहे हैं। ओ गिल्ला 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 हॉर्स राइडिंग के लिए जा रहे हैं मोहित और मैं। वहाँ पर खड़े हमारे हॉर्स शायद वही हैं, दो खड़े हैं वहाँ पर, दो करके जाएंगे हॉर्स राइडिंग पे। अब अपने को हॉर्स मतलब चलाना नहीं है, भगाना है बिठा के, अगर नहीं भगाया तो पैसा नहीं देंगे, फिर पैसा नहीं देंगे। अब देखते हैं कैसी रहती है राइड वगैरह, फोटोग्राफ वगैरह और जो बाकी वीडियोस वगैरह वो उधर से आएंगी, मतलब वहाँ पे पूजा जी वगैरह खड़े हैं वही लेंगे। अगर सी से आ गई तो बस किस्मत के ऊपर, क्योंकि अपन तो उनकी फ़ोटो अच्छी ले देंगे, वो हमारे लिए ना ले वो किस्मत के ऊपर है भाई। ठीक है, ये वाला पैर रखो ना, एक मिनट, ये वाला पैर नहीं है अभी, पंजा जाएगा लो, क्या बात। हाँ हाँ लो 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 लो, हाँ पैर थोड़ा सा आराम से ना, मेरे को वीडियो बनानी है। कोई बात नहीं चलो चल चल। तो भाई ये अपना घोड़ा रहा इधर, और भैया चलवा रहे हैं घोड़ा। भैया आपका नाम? रंजू। मेरा नाम। और इसका घोड़े का? अर्जुन। इसका नाम अर्जुन है भैया, इसकी सवारी अपनी अर्जुन। चलो इधर राजा की सवारी है, उधर किसकी है? ए अर्जुन की, राजा अर्जुन। एक मिनट भैया, थोड़ा सा आराम से, क्योंकि मैं एक बार कैमरा सेट कर दूंगा, ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। पैर एडी मारो, एडी ऐसे किक मारना, किक ऐसे इस पे ऐसे रुकेगा कैसे? रुक जाएगा ये, बस
तो भाई अभी अपनी राइडिंग तो हो चुकी है भाई, काफ़ी सही थी, काफ़ी सही भगाया है। और ये एक बार देख लो और थोड़ा सा व्यू, मतलब ये चल रही है राइडिंग वगैरह। अपनी अपनी राइडिंग अभी भी ख़त्म हुई है जस्ट, और यहाँ आके बैठे हैं। और खजियार का है और टाइम हो चुका है अप्रोक्स 4:30, और अपने को निकलने का टाइम हो चुका है शाम को। कुछ ऐसा लगता है खजियार, मतलब यार ये ना बर्फ़ में देखने वाला सीन है, जब चारों तरफ बर्फ़ पड़ती है ना, पूरा जो ग्रीन दिख रहा है वो पूरा वाइट होता है, पूरा वाइट होता है, और ये जंगल भी पूरे वाइट होते हैं यार, वो ना अलग ही फील आती है, अलग ही लुक आता है वो देखने का। आएंगे आप इसका भी आएंगे, स्नो पड़ने वाली हफ्ते भर के अंदर अंदर स्नो पड़ेगी, ये पूरी पूरी आशंका है ऐसी कि स्नो गिरने वाली है यहाँ पे। और मेरे को बात बता दी, जब हम रोज हाउस राइडिंग कर रहे थे तो मैंने उनसे पूछा था कि भैया रेस वगैरह भी होती है, तो यहाँ पे आर्मी वालों की, मतलब आर्मी के जो हॉर्स होते हैं वो ट्रेन भी होते हैं और उनकी रेस भी होती है यहाँ पे, तो ये नहीं पता चली मेरे को। बस ये था, अब आगे दूसरे व्लॉग में, दूसरे फ्रेम में, दूसरी जगह फिर मिलते हैं। तो भाई ये था हमारा खजियार का ट्रिप, और अभी हो चुका है अंधेरा, टाइम हो चुका है 5:30, और अभी निकलने की देर है क्योंकि अंधेरा पहाड़ों में जल्दी हो जाता है। तो ये बस निकल रहे हैं, हमारा टेम्पो ट्रेवलर ये खड़ा रखी भी हमारा सामान खड़े हैं, अच्छा घोड़े बैठ दो, बैठे करते तो अभी वो गाड़ी रहेगा। तो बस अभी निकल रहे हैं हम, और ये वाला व्लॉग करता हूँ ये पैंट, क्योंकि हिम्मत भी नहीं है करने की, होस्टलिंग वगैरह करी, थोड़े भागे खेले कूदे, उस दिन थोड़ी थकान सी हो रही है, और अंधेरे में दिखेगा भी क्या यार, रास्ते में कुछ दिखता था पहले मैंने डाल दिया होगा उसमें। बाकी ये इस तरफ खजियार है पूरा, और हम जा रहे हैं अब वापस डलहौजी, और कल जाएंगे अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। अपनी ट्रिप होने वाली ख़त्म, 1-2-3 या वीडियो मुश्किल से आएंगे इसके बाद में, फिर ट्रिप ख़त्म होने वाली है। तो मिलता हूँ आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए व्हाट टू डू इज स्टे पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, टू बी हियर, बाय बाय, टेक केयर। तो व्हाट इज अप सिविलियंस, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन, जितिन पारिकान, यू आर वाचिंग अपना चैनल DNP व्लॉग्स। तो भाई अभी टाइम हो रहा है रात के 8:30, और हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, मैं बताता हूँ, ये वाला व्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है। अभी हमारी ट्रिप चल रही है, अभी भी जस्ट मैं खजियार से आया थोड़ी देर पहले ही, पिछला व्लॉग आपने देखा होगा। और हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अपने मटर छीले हमने, बाकी सब्जियाँ फटी है, और पीछे खाना बन रहा है। आज बाहर से खाना नहीं खा रहे कुछ भी, भैया बना रहे पीछे खाना, और मोहित लेके आया सारी सब्जियाँ वगैरह, बहुत कुछ सामान, बाकी इशू लेके आया, मैं लेके आया हूँ मास्क पहन ले, मास्क का भी लगा था ना अपने, तो अपने बंदे। तो भाई अभी दिखाता हूँ सामान क्या क्या बन रहा है, सब्जी क्या क्या बन रही है, खाना भी सब्जी बना रहे हैं, और गिफ्ट भी आए हैं जो हमारे जो टेम्पो ट्रेवलर जिनका वो है, वो गिफ्ट वो बना रहे हैं सब्जी और पुलाव वगैरह। लकी भैया खड़े हैं, वो भी बना रहे हैं सब्जी पुलाव वगैरह, ईशो है उनकी हेल्प वगैरह कर रहा है। अब दिखाता हूँ जैसे बेसिकली बन क्या क्या रहा है सामान, तो भाई यहाँ पे अभी चल रहा है अपना किचन बनाओ, जैसे कि मैंने अभी बताया, ये पूरा ट्रैवलर है यहाँ पे, ईशो खड़ा है, और ये चल रहा है यहाँ पे खाने का पूरा सामान। लकी भैया अभी बस बटन वगैरह धो रहे हैं, गिफ्ट वे बना रहे हैं यहाँ पे, खाना पूरा पूरा ढाई ग्लास वाले, ढाई 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 बना लो, सुबह भी काम आ जाएगा, बचा दो, बचेगा तो ना, अरे बचेगा क्यों नहीं, मोई छुट्टी एक बार हमने इस छुट्टी इस तू दो ये ले, इसमें पानी डाल दे, ये सब्जी ये जी एक पकड़ जरा, अरे इसको पकड़, मिर्च डाल दिया हमने, लाला जी को दे दे, वो डब्बे में डाल दे, ये ले ये पानी में डाल के दे, हां जी इसमें चावल है थोड़े, वो डाल देंगे, वो ले पास तो भाई बस अब खाना बन रहा है, तो अब खाने का अपडेट देखते हैं। तो भाई अभी चावलों में ज्यादा मत डालियो, सब्जी बन चुकी है, ये खाना भी और कांदे काट रहे हैं, ये तेज पत्ता लौंग, तेज पत्ता और लौंग, अब इसमें बनेंगे चावल, ये गरम पानी, ये लक्की पाजी, और आज का स्पेशल खाना बन रहा है पूजा दी के लिए, और उनका आज हमने नाम चेंज कर दिया, उनका नाम है एंडलेस पूजा, हमारी बहन का नाम है एंडलेस पूजा, और ये मक्खन के ऊपर आज हमने गाना बजाया था कि पूजा किवें की कर दी सी, इसका मतलब ही बता दो व्यूअर्स को, इसका मतलब है कि पूजा कैसी है और पूजा क्या कर रही है, और उसको रिप्लाई उसका यह आता है कि हाँ मैं अच्छी हूँ, मैं काम कर रही थी, पढ़ रही थी,
क्या बात है भाई, चावल का पानी है। अभी आज चावल बन रहे हैं। लो 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 मैं करता हूँ। अरे मजा आ गया। तो भाई अभी का सीन ये है कि हम नीचे तो खाना वगैरह तो बन रहा है और मोहित का और मेरा प्लान है दीदी को पूजा वगैरह डराते हैं, ये थोड़ा सा प्रैंक करते हैं क्योंकि होटल हमारा बहुत डरावना है। प्रैंक का जुगाड़ हमारे पास में ये है, हम ये मार्केट से लेके आ गए थे छुपके से। अभी प्लान ये है कि मैं पहले से रूम में चला जाऊँगा और मुझे तीन चार बार दरवाज़ा खटखटाएगा, उसके बाद में कोई और खोलेगा, देखते हैं क्या सीन बनता है क्या सीन नहीं बनता है। डरते हैं तो अच्छी बात है, नहीं डरते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये देख लो भाई प्रैक्टिस चल रही है, अभी प्रैक्टिस देख रहा हूँ सेटिंग कर ले पे। देख लीजिए ये लकी भैया की वो है क्या कहते हैं लोई, ठंड से बचा लेती है पूरी रात ये। क्या बात है क्या बात है भाई, ये कवर कर पहले, रुक ये कवर कर लेना ठीक है। तो भाई खाना तो अभी बन चुका है ऑलमोस्ट, थोड़ा ये यहाँ पे डाइनिंग टेबल पे पूरा सब कुछ सेट हो चुका है, ये हम प्लेट्स तो खुद लेके आए थे और ये पूरा सेटअप है अपना। इसमें कुकर में है अपने राइस और बस भारी बेड पे। तो भाई अभी खाना तो लग चुका है यहाँ पे और हमारा छोटा सा प्लान बना ब्रैंड करने का, इसमें की पूरी लाइटें वगैरह सब बंद है और मैं कैमरा सेट कर रहा हूँ यहाँ पे। और ये देख लो एक बार मोहित को, और दिख नहीं रहा रोशनी में, एक बार रोशनी में थोड़ी सी रोशनी करनी पड़ेगी रूम में। ये देख लो भाई ये सीन बन रहा है मोहित को, इसमें कोई छोटी लाइट नहीं हो रहा है, हमारी सही लाइट कैमरे में आ रही है। तो भाई पूरा ना मतलब वो नहीं हो पाएगा कि अच्छे से सब कुछ कैप्चर हो, मैं अपना फोटो नीचे रख देता हूँ। मेरा छोटा भाई इशू यहाँ से एंटर होगा, मोहित बैठा है यहाँ पे, मतलब फटके जो सट होने वाली है। मैं अपना गोप्रो कहाँ रखूँ नहीं नहीं थोड़ी रोशनी आने दे ताकि मूवी दिखेगा ना, मैं अपना गोप्रो यहाँ पर रख देता हूँ या फिर यहाँ रख दूँ। सेट है, अरे रुक जा भाई देख जाओ सेटा बढ़िया। नितिन भाई वो भाई मैं डर गया तो भाई प्रैंक तो ये था, पता नहीं हुआ नहीं हुआ है पर व्हाट ऑफ मतलब प्रैंक। अपना खाना यहाँ पे तैयार है, ओए होए गजब, इसको पहले मैच जल्दी खाएंगे सुन लिए सुबह जल्दी उठना है कैसे Can I follow you back to your room, watching you?
तो भाई यहाँ पे खाना अपना पूरा खत्म। लकी भैया ने और गिफ्टी भैया ने और लकी भैया ने बनाया था भाई, खाना बहुत टेस्टी बना था भैया, बहुत टेस्टी था, बहुत टेस्टी था, एकदम मजे आ गए। अपने घर में बनाया, अपने टेम्पो बनाया, ट्रैवलर बनाया हमने। तो मिस्टर नितिन, हाउ यू लाइक द फूड? भैया बहुत टेस्टी बना था, एकदम मजे आ गए खाना। और घर का फीलिंग आया कि नहीं ये बताओ आप पहले। भैया देखो 7-8 दिन हो गए साथ में रहते हुए, घर का फीलिंग आज ही आया है, इतने दिन से खाना ही नहीं मिल रहा था। अमृतसर में नितिन जी हम आपको घर का फीलिंग फिर दिलाएंगे। वो तो भैया तो है, ये प्रॉमिस है, हम लोग खुद बनाएंगे, आपको फीलिंग पूरी दिलाएंगे। इट्स माय प्रॉमिस टू यू एंड आई विल प्रॉमिस यू फील दैट लाइक दैट यू आर स्टेइंग इन अ होम। इतना मिल गया और क्या चाहिए, मतलब ट्रिप पर घर का खाना मिल गया और क्या चाहिए। तो बस ये वाला हम लोग के लिए इतना ही था, बस खाना खाया, बस पेट भर चुका है और टाइम हो चुका है अभी 11:30। आज के लोग के लिए इतना था, ये वाला लोग का तो मैं ही पैन रूप सबको अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा लाइक करना, चैनल को करना सब्सक्राइब। तो आशा लगा मतलब अगली बार वीडियो स्टे हो सकते हैं, खाना बहुत टेस्टी था। तो भाई हम हो चुके हैं रेडी, अभी हम डलहौजी में, और डलहौजी में हमारा लास्ट डे, कलम गए थे खजियार, फिर शाम को खाना वगैरह बनाया था बड़ा बढ़िया। पिछला व्लॉग आपने देखा होगा खाने वगैरह। इनकेस अगर आपने व्लॉग मिस करे हैं तो प्लेलिस्ट मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन में, एक प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा और उसमें से जाके आप देख सकते हैं। और नाउ आई एम रेडी, वी आर रेडी, हमने रूम कर दिया पूरा खाली, हम जा रहे हैं टूवर्ड्स अमृतसर, आवर लास्ट डेस्टिनेशन। अब थोड़ा मूड ऑफ है क्योंकि ट्रिप ख़त्म होने वाली है, लास्ट डे अपना यहाँ पे, मतलब अपनी ट्रिप का। और फिर पता नहीं कब मिल रहा होगा, क्या मिल रहा होगा, मतलब पूजा दीदी से गाना वैसे मिलता रहता हूँ, मोहित चला जाएगा, निकिता चली जाएगी, सुचिता चली जाएगी, तो पता नहीं कब मिल रहा होगा बाद में, कोई नहीं मिलते रहेंगे। नेक्स्ट ट्रिप और जल्दी प्लान होगी, हो सकता है गर्मियों की ट्रिप प्लान हो गोवा की, या फिर कहीं इंटरनेशनल ट्रिप हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अभी का तो कि कैसे हमने चाय वगैरह नाश्ता वगैरह कुछ भी नहीं करा, सब कुछ रास्ते में करेंगे। टाइम हो चुका है अप्रॉक्स 10:45 हो चुके हैं, 9:45 हो चुके हैं, 9:42 हो चुके हैं और हम निकल रहे हैं बस अभी नीचे की तरफ। मैं एकदम रेडी है, मैं एकदम रेडी हूँ, रूम पूरा पैक फैला पड़ा है, अब जाए नीचे की तरफ। बिलिंग वगैरह सब कुछ हो चुकी है, मैंने पहले कर दिया था, जो साफ करेगा ना उसकी वाट लगेगी, जो साफ करेगा उसके जानवर रह गए कमरों में। तो भाई अभी जा रहे हैं इस भूतिया बंगले को छोड़ के अब अमृतसर, अमृतसर पहुँचने को लगेंगे अप्रोक्स 4.5 घंटे है ना। हम सीधा 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 वाघा बॉर्डर जा रहे हैं, जो हमारी पिटनी रिलेटेड होती है, जो जो परेड होती है वो देखने के लिए। बस मिलते हैं आपको अमृतसरी कुलचे। अरे वहाँ मिलेंगे, पर यहाँ कुछ तो खाएं, अब 2-3 मिनट लगेंगे वहाँ पहुँचने। अरे इतना कौन, कुल 3 कुलचे मंगा लिया, ज़्यादा हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा खा रहा हूँ। हाफ प्लेट? हाँ अपनी फुल्ली आएगी, फुल्ली आंदा बुक। तो भाई अभी का सीन ऐसा, अभी हम घूम रहे हैं अटारी गांव में, मास्क वगैरह नहीं लगा रहा क्योंकि जरूरत नहीं है, सिंपल सी सीधी सी बात ये है। अटारी गांव में इसलिए घूम रहे हैं क्योंकि हम अटारी बॉर्डर जा रहे थे, तो बाघा बॉर्डर जिसको कहते हैं, पर बाघा बॉर्डर भी क्लोज है लगभग, उसको 8-9 महीने हो चुके हैं जब से कोरोना का सीन्स हुए हैं, तब से सब बंद है। तो मैंने उनसे पूछा था भैया से, ये भैया कब खुलेगा, तो भैया ने सीधी सी एक बात बोली है कि जब तक आपके मुँह पर मास्क रहेंगे तब तक परेड नहीं होगी, तब तक बंद रहेगा। तो अभी बंद ही है, तो जब खुलेगा तब वापस आते हैं, देखे बाइक वगैरह लेके। बाकी बॉर्डर पे हमने फोटोज़ वगैरह खींच लिए, वीडियोग्राफी का इतना मन नहीं था तो हमने व्लॉग वगैरह बनाया नहीं। और अभी हम घूम रहे हैं अटारी गांव के खेतों में, ये देख लो भाई, ठीक है ये है लोकेशन। और यहाँ पे भी बहुत मस्त मस्त फोटोग्राफी वगैरह करेंगे, मस्त मस्त फोटोज़ वगैरह लेंगे। और अभी जो पिछली आपने देखी क्लिप्स वगैरह, पंजाब में घुसते अपने लस्सी शुरू होगी, कुलचे शुरू हो गए, अमृतसरी कुलचे, बस वो सब करके। और अभी हम यहाँ पे घूम रहे हैं अटारी गांव में। बेसिकली यहाँ घूमने का मेन मोटिव क्या है, सुचिता निकिता को खेत वगैरह दिखाने हैं, और उसके बाद में क्या कहते हैं आप, वहाँ पर हमारी गाड़ी जो है टेम्पो ट्रेवलर वो वॉश हो रहा है, तो बस इसलिए थोड़े बहुत घूम रहे हैं, थोड़े गांव के सीन्स वगैरह लेते हैं, कैप्चर करते हैं, उसके बाद में वापस जाएंगे। और अभी हमारे पास में टाइम तो खूब है, अभी 4:02 हुए हैं, तो हो सकता है कि वहाँ जाके कुछ हम वो करें, क्या कहते हैं हम अमृतसर में घूमें थोड़ा बहुत, जैसा भी होगा आपको अपडेट मिलता रहेगा। पहले तो फोटो वगैरह खींच लेते हैं यार, खींचने दो। पंजाब के सरसों के खेत, और उधर हो रहा है सनसेट बड़ा प्यारे वाला। और अपन ने थोड़ी बहुत यहाँ पे, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत सारी फोटोग्राफ्स ली हैं, मेरी नीली दो ईशू के लिए हैं, पूजा जी के लिए हैं, सुचू के लिए है, और
निकिता के लिए फोटोग्राफ्स वगैरह बड़ी अच्छी अच्छी। और अभी हम जा रहे हैं वापस हमने टेम्पो ट्रेवलर के पास, क्योंकि 2 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं हमको टाइम। मैं बता दूँ तो 5 बज चुके हैं पूरे एग्जैक्ट, और हम जा रहे हैं बस टेम्पो ट्रेवलर के पास में, फिर चलते हैं अमृतसर। अभी भी हम अटारी बॉर्डर पर ही हैं, यहीं घूम रहे हैं। अमृतसर जाके फिर देखते हैं कहाँ मिलता है, क्या मिलता है, कौन सा रूम लेते हैं, क्या रूम लेते हैं, कितने का पड़ता है, क्या होता है। वैसे भी अगर देखा जाए तो अपनी लास्ट नाइट है ये अपनी ट्रिप की, तो उसके बाद में अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। आज तो सोने वाले तो है नहीं, पूरा एंजॉय करेंगे। चलो आगे बताते फिर। तो भाई अभी वी आर एंटर्ड एट आवर होटल, एंड होटल नहीं है भाई ये जन्नत, एकदम फाइव स्टार होटल मिला जो मोहित बुक करवाया भाई और गोस्तुम मोहित। अभी बार मैं रूम का टूर दे देता हूँ अपना कैसा है। ये यहाँ से एंट्री है अपने रूम की, एंड ये कोई लॉबी वगैरह बाकी रूम्स वगैरह हैं। ये एंट्री, इधर वॉशरूम, ये है अपना पूरा रूम। यहाँ पे एक बेड, वहाँ पे दूसरा बेड, वहाँ पे इशू, पीछे बालकनी। तो ये था अपना, तो ये था अपना पूरा रूम का टूर, मतलब बाहर से मैंने पूरे वेडिंग रूम में सब कुछ दिखा दिया। तो आज के लोग के लिए इतना सही वाला लोग करते हैं, पैंडा मामा आ चुके हैं अमृतसर में, नहीं नैन नहीं करते हैं, अभी बाहर घूमने जाते हैं तो देखेंगे। नहीं मैडम, नीचे से लागे। तो भाई अभी आ गए हम अमृतसर के थोड़े मार्केट में खाने के लिए, वहाँ पे थोड़ी चापे वगैरह खाई है हमने, और यहाँ पे ये सोडा वगैरह पिया है, और यहाँ पे गुरुद्वारा है गुरुद्वारा साहिब के बैक साइड में। और अभी मोहित भैया, लकी भैया, गिफ्ट भैया सब यहीं पे खड़े हैं, और पूजा दी सुचिता वगैरह भी होटल से आ रहे हैं जस्ट, फिर और चलते हैं आगे घूमने के लिए और मार्केट दिखा रहा हूँ छोटे शॉर्ट्स वगैरह। तो भाई अभी उस तरफ है अपना गुरुद्वारा साहिब, और हम यहाँ पे जाके कुछ खाने वगैरह देख रहे हैं अंदर। चलो अरे ऊपर चलो, ऊपर चलो। तो भाई अभी हम घूम रहे हैं यहीं पे मार्केट वगैरह में, खाना वगैरह अपना हो चुका है, और ये है पूरा मार्केट जो है गुरुद्वारे के सामने। एंड अभी टाइम हो चुका है 10:07, एंड वो सामने है वहाँ पे गुरुद्वारा, अपनी पलटन यहाँ चल रही है और अपन है यहाँ पे। एंड अभी जा रहे हैं हम बस अपनी होटल की तरफ, फिर कुछ खाएंगे पियेंगे, मतलब अभी खाना वगैरह तो खा लिया है। और ये मूर्ति वगैरह अच्छी अच्छी फोटोज़ एक बार देखो, देख रहे हो, देख रहे हो लोंडे की मेहनत देख रहे हो। और ये जलिया वाला बाग है, ये पूरा भी बंद पड़ा है तो इसमें नहीं जा सकते, इसमें रिनोवेशन का काम चलवा रहा है मोदी सरकार, चलवा रही है रिनोवेशन का काम, जो कि नहीं चलना चाहिए। पुरानी चीज़ जैसी है उसको वैसे ही रहने दो, थोड़ा ठीक है मेरे हिसाब से, नहीं चलना चाहिए था। बाकी यार भीड़ तो भी सही वाली यहाँ से, मतलब इतने दिनों बाद में ना भीड़ देखने को मिली है, रोड वगैरह भी ट्रैफिक वगैरह अच्छे को मिला है, और देखने मतलब सबसे अच्छा मास्क नहीं किसी का, किसी ने मास्क नहीं लगा रखा यहाँ पे, कोरोना होता ही नहीं कुछ यहाँ पे, है ना बापे की मैं, यहाँ पे डक कोरोना हो गया, दफन आना मतलब। ठीक है अब हम जा रहे हैं, मतलब हमने कल के लिए एक बढ़िया वाला सरप्राइज़ है हमने प्लान करा है, मैंने मोहित ने और ईशू ने, कुछ अटायर चेंज होने वाला है अपना, वो आपको पोस्ट वगैरह में स्टोरी वगैरह में देखने को मिल जाएगा बहुत सून, मतलब जल्दी इंस्टाग्राम पे तो देखने को मिल जाएगा आपको, पहले अगर फॉलो नहीं करते हो तो जाकर खुद को फॉलो, सेम नाम से इंस्टाग्राम पे भी हम। तो बस अभी चलते हैं होटल में, और आज हमारी ट्रिप की लास्ट नाइट है, कल हम पहुँच जाएंगे दिल्ली, और बस ट्रिप ख़त्म, आज रात को सोने वाले तो हैं नहीं, हम पूरे मज़े करने हैं। रूम 316, मैं थोड़ा सा व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। तो भाई वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम अमृतसर, अभी हम अमृतसर में है, और गुड मॉर्निंग का तो मैं टाइम बता दूँ तो अभी बज रहे हैं 4:30, और हम पूरी रात सोए नहीं है, कोई भी नहीं सोया पूरी रात, क्योंकि मैंने पहले बताया था पिछले ब्लॉग में कि सोएंगे नहीं, लास्ट नाइट है, और अभी हमको जाना है गुरुद्वारे साहब, तो उसके लिए मोहित मैं और ईशू तैयार हो रहे हैं, ड्रेस हमने पहन ली है इधर आना, और अभी हम क्या पहन रहे हैं, पगड़ी ये रही जो मैं पहली बार पहन रहा हूँ, और पहनाएगा कौन, वो है लकी भैया और गिफ्टी भैया, ये पहनाएंगे हमको पगड़ी, क्योंकि हमें आती नहीं है पहननी, और गिफ्टी भैया मतलब सरदारी हैं, और वो कपड़ी वगैरह पगड़ी वगैरह पहनते हैं भाई। उल्टा गए किधर, सुनो तो गए ऊपर, चलो थर्ड फ्लोर पे और ऊपर, ये रजी ना आ जा। तो बस अभी हम जा रहे हैं पगड़ी पहनने के लिए,
तो अभी पगड़ी वगैरह पहनते हैं फिर करते हैं हम लोग की स्टार्टिंग। और भाई साहब देखते हैं क्या पगड़ी लगती है, मैं तो पहली बार बना रहा हूँ, पता नहीं क्या चंपू लगूंगा या फिर क्या लूंगा, जो भी लूंगा दिख जाएगा वो तो सामने। चलो पहनते हैं पगड़ी। वीर तो है अंदर, पूजा कह रही है वो बैठ गया ना अंदर। वीर है या 12 महीने रहती है क्या गुरुद्वारा में? वीर अब तो है नहीं, आए तो है नहीं, पहला जाना ही 4:30 निकलना ही। लोग कुड़ियां पहले पहुंच गए ही सवेरे, उन्होंने पानी के साथ दर्शन करना। हां और पे शटर जो के बाहर लगे हैं बस 10 मिनट। दर्द तो नहीं होती है लगेंगे बंदर। उसकी दाढ़ी है ना, ये कपड़ा का नवा कपड़ा भर दिया। ये दस्से ही मैं कहा ये रात ही भूल गए बिना पॉलिश बिना उसका भी तो आता होगा ना, बिना कलर का भी तो आता होगा नया कपड़ा। दोनों ही जाते साथ में, ये तो बड़े व्यंचोदी है। परविंदर के नाल क्या बोल रहे, गिफ्टी पाजी है तो बड़ी बढ़िया लेकिन जनवरी में उनकी शादी है। ये बात नहीं कहता है शादी वाली, तो क्या तेरी गांठ में जाता है काले वाले काले का दलो खा गई है ये लो लेने बात होएगा। अच्छा तेरी घर दोनों बनी सबके अच्छी है लेकिन नितिन की दाढ़ी देख के ना वो अच्छी लग रही है एकदम वही अच्छी लग रही है, एकदम सही बात, मजाक नहीं कर। ठीक है मैं कब रहा हूँ सड़ गई तारे चल गई मधु आई ना उसके बाद देखो जरा आप तो भाई अभी अपनी पगड़ी बन चुकी है, एकदम अपना लुक चेंज हो चुका है। ईशु की देख लो, ईशु की पगड़ी बंधी हुई है और मोहित की भी बंधी हुई है। और अभी जा रहे हैं हम गुरुद्वारे साहिब, बस होटल के पास में होटल यहीं पे है और गुरुद्वारे साहिब इस तरफ है, अभी पहाड़ चल रहा है। एक्चुअली हम बहुत लेट हो चुके हैं, 4:30 पहुँचना था, 4:30 पहुँचना था और 6 बज गए हैं, तो हम इतना लेट हो चुके हैं। तो अब देख लो खुद, हम एक्चुअली अपनी पगड़ी बांधने में लेट हो गए थे क्योंकि गिफ्टी भी ऐसे बंधी रही थी, और क्योंकि एकदम नया कपड़ा लिया हमने, नए कपड़े लेने के बाद में क्या कहते हैं उसका जो भी होता स्लिप हो रहा था तो भिगोना पड़ता था, धोना पड़ता था, वो हम कर नहीं पाए इसलिए बन नहीं पा रही थी। तो अभी तो बन चुकी अपनी पगड़ी और अभी जा रहे हैं गुरुद्वारे साहिब, लग रहे हैं भाई एकदम पिच एकदम। तो जाते हैं क्या कह रहे हैं, कोहरा दिखा, कोहरा कोहरा दिखा रहा हूँ भाई, ये देखो कोहरा कितना हो रखा पीछे देखो। कल रात को आपको दर्शन कराते हैं साथ साथ हो सके तो चलिए। तो भाई एक बार ठंड देख लो और डेकोरेशन देख लो, अभी गुरुद्वारे के अंदर आ चुके हैं, चप्पलें उतार दी हमने और बस चल रहे हैं। ठंडा फर्श, ठंडा बहुत ठंडा फर्श है और ऐसी ठंडी हवा लग रही है ना पैर में, बस तोते फेल। टाइम अभी हो चुका है फिक्स 6। तो भाई अभी टाइम हो चुका है 7:30 और अभी भी धुंध वैसी की वैसी तो नहीं है, और बढ़ चुकी है, ठीक है दिख ही रहा होगा सही वाली धुंध बढ़ चुकी है। तो अभी व्हाट आई एम डूइंग, हम जा रहे हैं मतलब वापस अपने होटल की तरफ और वापस आएंगे 1-2 घंटे में, देखते हैं अगर टाइम से मिला तो धुंध कम होती है तो वापस आते हैं, फिर लेंगे अच्छे अच्छे फोटोग्राफ्स वगैरह और
वीडियो वगैरह अपना व्लॉग पूरा एंड करेंगे, व्लॉग पूरा सही से करेंगे शूट, क्योंकि अभी तो कुछ भी नहीं हो पाया है, तो बाद में आके फिर देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। अभी के लिए तो थोड़ा तैयार होते हैं होटल जाके, पहले रूम वगैरह साफ़ करते हैं, बैग वगैरह पैक करते हैं, हमारे सब कुछ फैला ही पड़ा है, मिलता थोड़ी देर। तो भाई अभी टाइम हो चुका है 12:21 और हमें अभी यहाँ पे मतलब मंदिर के पास में, और हम क्या कर रहे हैं बेसिकली यहाँ पे शॉपिंग वगैरह चल रही है, इसी मेरी फोटोग्राफ वगैरह ले रहा है यहाँ पे, बड़ी अच्छी अच्छी फोटोग्राफ वगैरह आई है चश्मे के अंदर भी, बहुत सही आई है, बहुत सही है, एकदम मज़े ही आ गए। और इसके बाद में हम क्या करने वाले हैं देखेंगे, अगर टाइम मिलता है तो जाते हैं मंदिर में, मतलब गोल्डन टेम्पल में गुरुद्वारा साहिब में मत्था टेकने के लिए वापस से, और फोटोज़ वगैरह लेते हैं। अगर नहीं मिलता तो फिर हम निकलते हैं अपने घर के लिए, दिल्ली के लिए। तो भाई ये है अभी गोल्डन टेंपल अभी इसके टाइम पे, और पूरी भीड़ हो रखी है अभी तो यहाँ पे दिन के टाइम पे आए हैं। तो भाई अभी हम रुके हुए हैं कहीं पे हाईवे पे बीच में ही, यहाँ पे अपना टेम्पो ट्रैवलर खड़ा है, और यहाँ पे हमको ये दिखा था कीनो की रेडी, तो हमने भी बस मस्त कीनो को जूस मारा है सबने अच्छे से तबीयत से, सबने कीनो पिया है, कीनो का जूस पिया है, अब भी थोड़ा बड़ा लग रहा है। और अब हमें टाइम हो चुका है पूरे 4, और अब घर पहुँचते बजेंगे 1 या 2। तो बस ये वाला व्लॉग मैं ज़्यादा नहीं खींच रहा क्योंकि आगे कुछ है नहीं कवर करने को, बस ऐसे ही रास्ते हैं और क्या मिलना, बाइक पर तो कवर करते हैं, गाड़ी में तो क्या कवर करें। तो ये वाला व्लॉग करता हूँ मैं यहीं पे एंड, होप सबको अच्छा लगा, अच्छा अगर लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब, व्लॉग में तो ये वॉट टू डू, स्टे पॉजिटिव, बी पॉजिटिव टू वी, बाय, टेक केयर।